हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक गेम और उस गेम का नाम है कनेक्ट फोर मास्टर गेम। सो इस गेम में सिंपल हमें फोर डॉट को कनेक्ट करना पड़ता है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली, और जिसका सबसे पहले कनेक्ट हो जाता है फोर डॉट वो विनर हो जाता है। सो इस गेम का मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आप लोग को। सो जैसे आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, सो मैंने एक नॉर्मल सा पेज बनाया है, उसके ऊपर कवर पेज गेम का वेलकम टू द गेम वर्ल्ड, इसमें एक बटन है जिस पर क्लिक करने से हम गेम के अंदर चले जाएंगे। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ। सो इसके बाद एक फॉर्म आया हुआ है, इसको फॉर्म में हमें प्लेयर नेम और कलर को चूज करना है। अगर मैंने प्लेयर नेम और कलर को नहीं चूज किया, डायरेक्ट अंदर घुसना चाहता हूँ। सो ये यहाँ पे वैलिडेट किया हुआ है फॉर्म को, तो ठीक है मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ खुद का समीर, और कलर भी यहाँ चूज दे देता हूँ कोई भी, तो पर्पल। सो सेकेंड में कंप्यूटर और इसका कलर भी पिंक, ठीक है। सो उसके बाद सबमिट करता हूँ। सो हम अपने गेम के अंदर आ चुके हैं। सो उसके बाद हमें यहाँ दो कलर है और इसको क्लिक करना पड़ता है। सो मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, 4 2 3, ये भी 3 और 4। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, कंप्यूटर इज विनर। सो हमारा ये गेम है और चलते इसको बनाते हैं। और सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलते कोड एडिटर में प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। सो रीस्टार्ट गेम, लेट्स गो इन आवर कोड एडिटर। सो फर्स्ट कवर गेम, ठीक है। उसके अंदर हमारा दो चीज़ है, एक टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर सम टेक्स्ट है, सो वेलकम टू गेम वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा एनिमेशन बॉक्स है, सो एनिमेट एनिमेट बॉक्स, और उसके अंदर बॉर्डर एनिमेट बॉक्स, ठीक है। और उसके अंदर एक बटन है, सो BUTTON बटन डॉट स्टार्ट गेम, ठीक है। और उसके अंदर टेक्स्ट है स्टार्ट गेम, गेम, ठीक है। इतना हो चुका है, ये फर्स्ट हमारा HTML पार्ट है। इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर की मदद से। सो अभी हमारा ये ऐसा दिख रहा है और हमें इसको ऐसा डिजाइन करना है। सो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और अपने कोड एडिटर को भी बड़ा कर लेता हूँ। सो ये नहीं है, सेकेंड वाला है, ठीक है, और इसको भी बड़ा कर लेता हूँ। सो HTML पार्ट हमारा अभी इतना है। ओ मुझे इसको टेक्स्ट, ओ ये थोड़ा सा गड़बड़ रहा, कंट्रोल एक्स और इसके अंदर कंट्रोल भी, और इसको मुझे कंट्रोल एक्स और इसको इसके नीचे रखना पड़ेगा भी, ठीक है। सही हो चुका है, अभी हमारा HTML पार्ट ये कवर पेज के लिए, फर्स्ट पेज के लिए। अब चलते CSS फाइल में, इसको पहले लिंक करना पड़ता है, मैंने लिंक करके रखा हुआ है। सो इससे मैंने अपने ब्राउजर को रीसेट किया हुआ है। ब्राउजर में पहले से थोड़ा मार्जिन और पैडिंग होता है, उसके लिए रीसेट किया है उसको, स्टार दे के मार्जिन 0 पैडिंग 0, ठीक है। उसके बाद हमारा कवर गेम को टारगेट करेंगे, सो विथ 100% हाइट, कंट्रोल जेड, हाइट में इसको मिनिमम हाइट दूंगा और 100 BH, ठीक है। और इसका डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कॉन्टेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, हो चुका है। और इसका बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर, सो लीनियर ग्रेडिएंट के लिए हमें सिर्फ बैकग्राउंड यूज़ करना पड़ेगा। सो लीनियर ग्रेडिएंट 150 डिग्री, ठीक है। इसमें सेवरल कलर डिफाइन होगा, रेड ब्लू ग्रीन पर्पल, ठीक है, रेड ब्लू ग्रीन पर्पल, और एक और कलर है पिंक, PINK, ठीक है। अब चलते ब्राउजर पे चेक करते हैं हमारा दिख रहा है कैसे। सो देख रहे हैं कलर अब सेम टू सेम आ चुका है कलर। अब फर्स्ट इसको अब डिजाइन करेंगे, ये टेक्स्ट वाले को वेलकम टू गेम, और पीछे बॉर्डर में थोड़ा सा एनिमेशन हो रहा है कलर चेंजिंग, ठीक है। सो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस टाइप का कर लेता हूँ, ठीक है। सो दिखने में ठीक रहेगा, थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ और इसको ऐसे। सो इसको मैंने क्या नाम दिया था, टेक्स्ट, ठीक है। सो नीचे आता है TEXT टेक्स्ट, और पैडिंग दे दूंगा इसको 20 पिक्सल, और पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, और सारा चीज़ ठीक है। और उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे हम H1 टेक्स्ट को, टेक्स्ट H1
फ़ॉन्ट साइज, फोर नेम एंड कलर वाइट, ठीक है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड अभी नहीं देता हूँ, अभी इसको हम सूडो सिलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर। सो इसको आफ्टर एंड एक है बिफोर, सो बी फोर, ठीक है। सो इसको यहाँ से हटाता हूँ। उसके बाद कंटेंट एम्प्टी है, पोजिशन एब्सोल्यूट और आफ्टर है। सो उसके लिए विथ कंट्रोल जे डब्ल्यू आई डी टी एस विथ कैल्क फंक्शन यूज़ करूँगा 100% माइनस 50 पिक्सल, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और विथ को मैं हाइट में चेंज कर दूँगा HIGST हाइट, ठीक है। सो विथ हाइट हो चुका है एसलेट। तो इसका बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सो ठीक है, और जेड इंडेक्स सो इसको रेन देता हूँ। उसके बाद इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा कंट्रोल सी और कंट्रोल पी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस को मैं प्लस कर दूंगा, इक्वल टू नॉट प्लस देना था सिर्फ इक्वल टू, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन यहाँ करेंगे। सो बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री तो ब्लू ग्रीन रेड एंड पर्पल, पर्पल जेड पर्पल, ठीक है। सो ये हो चुका है, चलते हैं इसको अपने ब्राउजर में चेक करेंगे। अब इस टाइप का दिख रहा है। सो इसको हमें फिर से ओपन करते हैं और यहाँ से मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टॉप 0 एंड लेफ्ट भी 0 सब चेक करेंगे। सो ये ऊपर चला गया है। सो इसको भी कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल पी, देन यहाँ पर मुझे ब्लैक कलर डिफाइन करना था 000, सब ऐसा दिख रहा है। सो अब इसको सेंटर में लाना है। सो ट्राई करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंट्रोल सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। सो इससे अब ये काम नहीं करेगा। सो इसको रहने देता हूँ इधर सेम और बिफोर हमारा। सो यहाँ पर टॉप में दे दूँगा 10 पिक्सल एंड इसको भी 10 पिक्सल। सो मुझे माइनस बिफोर माइनस करना था यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस। सो अभी आ चुका है और उसके बाद मैं इसको 10 पिक्सल देन देता हूँ, 10 और 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको 100% और इसको भी 100% आफ्टर 100% और यहाँ पर 50 पिक्सल, ठीक था 50 पिक्सल ले लेता हूँ, अब ठीक लग रहा है। तो देख रहे सो 100%, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, थोड़ा मुझे मिलाना पड़ेगा माइनस, ठीक है। इफ मैं यहाँ पर 20 पिक्सल कर दूँ, 20 पिक्सल। सो अब सही दिख रहा है, ये हो चुका है। अब इसमें के टेक्स्ट जो है वो मुझे ऊपर लाना पड़ेगा। सो यहाँ पर जाकर जेड इंडेक्स 10, ठीक है। सो अभी ये आ चुका है और इसका हम फ़ॉन्ट फैमिली लेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ। सो देख रहे अब ये दिख रहा है ठीक ठाक किस टाइप का। सो इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ा देता हूँ मैं 5, अब ठीक। सो कुछ ज़्यादा पड़ चुका है, 4 ही देने देता हूँ। सो ये हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा एनिमेशन देंगे। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर कलर चेंजिंग हो रहा है थोड़ा सा। सो फिर से चलते हैं यहाँ पर, उसके बाद मुझे एनिमेशन कहाँ देना है, यहाँ इसमें से देना है। सो एनिमेशन नेम दूंगा, सो कलर चेंज 4 सेकेंड सॉरी कंट्रोल जेड लीनियर और इनफिनिट, ठीक है। और इसके नीचे मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ इसका एनिमेशन। सो चेंज कलर, इसके अंदर जाकर 0% और कंट्रोल जेड 0% देना था मुझे कंट्रोल जेड, और इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे वाले को 100% और ऊपर। सो यहाँ पर फिल्टर यू रोटेट 0 डिग्री एंड इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा नीचे कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल भी 360 डिग्री
हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए हमारा कलर नहीं हो रहा है चेंज, सो मैंने नाम उल्टा लिख दिया है इसको, कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा सी आ चुका है, ठीक है अब तो चेंज हो गया। सो देख रहे यहाँ पर हो रहा है थोड़ा सा, और मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर फिल्टर ब्लर 100 पिक्सल, ठीक है, और देन ये हो चुका है हमारा फर्स्ट। सो देख रहे हैं यहाँ पर भी एनिमेशन, देन हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका थोड़ा कलर आप यहाँ अपने पसंद से कोई भी कलर को डिफाइन कर सकते हैं, मैं एक येलो भी दे दूँगा, सब ठीक दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा हो चुका है फर्स्ट। अब हम मुझे ये बॉक्स डिफाइन करना है, पहले ये वाला एरो, ये चार जो आ रहा है एनिमेशन, उसके बाद ये बॉक्स एनिमेशन, ठीक है। सो चलते अपने इसमें एचटीएमएल पार्ट में। सो मैंने एनिमेटेड बॉक्स दिया हुआ है, सो उसके अंदर चार जो एरो घूम रहे हैं, सो उसके लिए स्पैन 2, 3, 4, ठीक है। सो इसको यहाँ से कॉपी करूँगा कंट्रोल सी, और इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ स्क्रीन को, तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं उसको रिस्पॉन्सिव भी बनाऊंगा मीडिया क्वेरी ऐड करके, एट द रेट मीडिया क्वेरी स्क्रीन एंड मैक्सिमम विथ, ठीक है, WIDTH 900 पिक्सल, ठीक है। और मुझे यहाँ क्या करना है, ये टेक्स्ट H1 यानी टेक्स्ट H1 यहाँ पे नीचे सी के नीचे था, सो इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर 3 और बाकी सबको यहाँ से टाइप। सो देख रहे हो चुका है, सो मुझे इसको इसके अंदर देना है, सो ये काम कर रहा है, देख रहे हैं अभी। सो चलते अब हमें वो एरो वाला एनिमेशन बनाया है, कंट्रोल जेड विंडोज भी, सो सेकेंड वाला है, ठीक है। सो मैं इसका विथ 500 डिफाइन करता हूँ, हाइट कंट्रोल जेड हाइट 400, ठीक है। और पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा, और डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एलाइन आइटम के सेंटर, ठीक है। सो उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर स्पैन एंड चाइल्ड 1 और इसको हटाऊंगा। उसके बाद इसका पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 एंड राइट 0, ठीक है। उसके बाद मुझे विड्थ डिफाइन करना पड़ेगा 100% एंड हाइट 5%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ को एडिटर को, यहाँ पर मैं इसको छोटा कर लूँगा 2, जैसे इसके बाद यहाँ पर 2 राइट और ट्रांसपेरेंट पेरेंट, ठीक है। और इसमें कलर डिफाइन करेंगे #F17F3FD। सो फर्स्ट एरो हमारा आ चुका है, इसको एनिमेशन ऐड करते ही जाएंगे। सो ठीक है, यहाँ मैं एनिमेशन का नाम देता हूँ एनिमेशन, सो एनिमेट 1, ठीक है। सो इसको दे दूंगा 2 सेकेंड लीनियर कंट्रोल जेड लीनियर इनफिनाइट, ठीक है। और इसी के नीचे मैं इसको डिफाइन भी कर दूंगा, सो एट द रेट की फ्रेम एनिमेटेड एनिमेट 1, ठीक है। और सिंपल 0% क्या हो रहा है, सो 0% इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर 100%, और इसके अंदर मुझे लेफ्ट 0% में -100%, और इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर +100%। सो हमारा फर्स्ट चल रहा है, बट आप देख रहे हैं एनिमेशन कंप्लीट होने पर ये हमारा वाइट स्पेस ले रहा है, सो उसके लिए क्या बॉक्स में जाना पड़ेगा मुझे, मेन बॉक्स का हमारा कवर, उसके बाद इसको ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, अब नहीं आएगा। सो ये हो चुका है, और उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम, इतना बड़ा है, कंट्रोल डी मीन्स कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, एंड इसको
ये करेंगे और इसके बाद ये हमारा टू है, सो इसको टॉप से बटन पे आना है। सो इसके लिए मैं इसको हाइट एंड विड्थ को चेंज करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर टॉप, ठीक है, और बटन कर लूँगा, देन यहाँ आ चुका है। और यहाँ पर मुझे इस एनिमेशन का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, टू, और यहाँ पर भी टू, ठीक है, और टॉप, और यहाँ पर भी टॉप। सो देख रहे हैं तो वो ऊपर से भी आ रहा है, और यहाँ से मुझे एनिमेशन डिले देना पड़ेगा 1 सेकेंड, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर आते आ जाएगा। सो हमारा दूसरा एरो भी कंप्लीट हो चुका है, अब चलते तीसरे एरो की तरफ। इसको मिनिमाइज करूँगा, इसको भी मिनिमाइज, और फिर से इसको पेस्ट, ठीक है, और इसको ओपन, और इसको भी ओपन, और यहाँ पर 3। उसके बाद एनिमेशन का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, THRE3, और यहाँ पर भी THRE3, ठीक है। सो इसको मुझे राइट से लेफ्ट में ले जाना है, सो लेफ्ट कर लूँगा, LEFT लेफ्ट, और इसको बॉटम, ठीक है, और इसका हाइट विथ भी चेंज करना पड़ेगा विथ 100% एंड हाइट 5 पिक्सल। सो अब ये आ चुका है, और उसके लिए मुझे यहाँ पर लेफ्ट, और यहाँ चुका है, यहाँ पर तो बटन दिया हुआ था, सो मुझे यहाँ पर बॉटम, बॉटम नट राइट, और यहाँ पर भी RIGST राइट, ठीक है। सो अभी यहाँ पर ये रुक गया है, एनिमेशन का नाम सही है, डिले सही है। सो बटन पे ये आ चुका है, और लेफ्ट मुझे इसको RIGST राइट करना था। सो अभी ये चल रहा है। सो तीसरा भी हो चुका है, अब एक और है, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ 3 को 4 कर देंगे। सो 3 को 4, ठीक है। पहले मैं यहाँ पर एनिमेशन का नाम चेंज करूँगा, 4 FOUR 4, और यहाँ पर भी 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ बॉटम से टॉप में ये जाएगा, उसके लिए सो यहाँ पर हाइट और विड्थ फिर से चेंज करूँगा, WITH विड्थ, ठीक है, और यहाँ पर टॉप, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन नाम को चेंज कर चुका हूँ, और यहाँ पर बॉटम, यहाँ पर भी बॉटम, POTT बॉटम, ठीक है। और उसके बाद ये यही साइड है, सो लेफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर लेफ्ट, सो इसको बड़े करके देखेंगे। सो ये यहाँ से ये, और यहाँ पर सो मुझे 3 को ये एनिमेशन डिले यहाँ से हटाना पड़ेगा। सो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एनिमेशन सेम टू सेम कंप्लीट हो चुका है। तो आप चलते हैं बॉर्डर बॉक्स एनिमेशन बनाते हैं, तो इसको स्प्लिट कर लूँगा। सो यहाँ नीचे आके मैं इसको स्पॉन्सिव को 3 रन देता हूँ पहले जैसे इसके लिए, और यहाँ पर इसको टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ। सो वेयर इज टेक्स्ट सेंटर, मीन्स टेक्स्ट का यहाँ पर, सो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सो देख रहे हैं जब ये स्टार्ट होता है यहाँ पर थोड़ा सा एनिमेशन टाइप का ये लेटर लिख के आ रहा है। उससे पहले हम ये बॉर्डर बॉक्स एनिमेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसमें चलेंगे फिर से। सो HTML में देख लेता हूँ मैं इसको क्या दिया था नाम, बॉर्डर एनिमेट बॉक्स, Ctrl+C, और यहाँ पर जाकर नीचे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर डॉट Ctrl+V, और इसका विड्थ डिफाइन करता हूँ 400 पिक्सल, और हाइट Ctrl+Z HIGST हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद पोजिशन रिलेटिव, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सो ये हो चुका है, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, सुडो सेलेक्टर सेलेक्ट करेंगे, सो आफ्टर एंड बिफोर, सो पहले बिफोर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आफ्टर। सो इसको यहाँ से हटाऊंगा, और कंटेंट empty, उसके बाद
इसका पोजीशन जो होगा वो एब्सोल्यूट टॉप जीरो, लेफ्ट भी जीरो, एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और इसका विथ सो 20-20 पिक्सल माइनस कर देंगे। सो कैल्क फंक्शन यूज करना, कैल्क फंक्शन 100% माइनस 20 पिक्सल, ठीक है। इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, होम में जाएंगे और इसका यहाँ पर हाइट डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। ये हो चुका है। सो अब देखते हैं हमारा, अभी इस तरह का दिख रहा है। सो ये माइनस हो चुका है, और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पर आफ्टर में भी पेस्ट करेंगे। सो उसके बाद इस बैकग्राउंड को लीनियर ग्रेडियंट देंगे। सो लीनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री, ठीक है, और ब्लू एंड रेड। सो ये आ चुका है। सो इसको मुझे जेड इंडेक्स 10-1, ठीक है। उसके बाद इसको जेड इंडेक्स माइनस 1, देन इसका हाइट एंड विथ मैंने कैल्क फंक्शन से किया, इसको मुझे मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा। इसको 100% विथ दे देता हूँ, एंड हाइट हाइट कितना दे दो 500%, ठीक है। अब ये गायब हो चुका है क्योंकि मैं इसको अभी इसको हटाता हूँ इस टाइप का, और इसको भी, ठीक है। तो अभी ये इधर आ चुका है। सो पोजीशन ये डिफाइन हो चुका है, एब्सोल्यूट टॉप एंड बटन, मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। सो ये बिफोर है, पीछे आने वाली चीज़। सो मैं इसको एक चीज कंट्रोल सी एंड इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और इसका जो कंटेंट था मैं इसको कंट्रोल सी, सो मैंने इसको चेंज कर दिया है। जो आफ्टर में था उसको बिफोर में रख दिया है, जो बिफोर में था उसको मैंने आफ्टर में रख दिया। सो उसके बाद मुझे क्या करना था, जो बिफोर वाले था उसको तो ठीक है, यही है। सो डबल डबल है, सो इसको मुझे माइनस करना था, अब ठीक है। सो उसके बाद इसको आफ्टर को लेफ्ट जीरो एंड टॉप आंसर भी जीरो, उसके बाद लेफ्ट 10 पिक्सल एंड टॉप आल्सो भी 10 पिक्सल, अब ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा लेफ्ट 50%, 50% नॉट, मुझे 20% कर दूंगा इसको 20-40, सो सेंटर में आ जाना चाहिए। सो ठीक है, एंड इसको यहाँ से ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, हो चुका है। हमारा जो ये बटन है वो अभी छुप रहा है, सो बटन को भी ऊपर ले आते हूँ। स्टार्ट गेम कंट्रोल सी, और यहाँ पर नीचे आकर डॉट कंट्रोल भी, एंड इसको जल्दी से डिफाइन कर देता हूँ। पैडिंग 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज का 1.6 रैम, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड एंड कलर वाइट, ठीक है, और जेड इंडेक्स 10, सो ऊपर आ जाओ। उसके लिए मुझे वेज द ब्लैक कलर यहाँ पर, सो जेड इंडेक्स -1, ठीक है, और इसका जेड इंडेक्स 1, और कंट्रोल जेड, ठीक है, इसको भी -1, इसको हटा ही देता हूँ। ऊपर आ चुका है क्योंकि ये ऊपर जा चुका है, इसको कोई डिफाइन नहीं करेंगे। सो जेड इंडेक्स यहाँ पर ही जेड इंडेक्स 10 कर दूंगा। सो ये अभी किसके पीछे छुपा हुआ है, इसे ब्लैक वाले इसके। सो इसको अगर जेड इंडेक्स -1 किया, जो आफ्टर था वो भी ऊपर चुका है, और उसको भी अगर माइनस करूंगा, सो अब सही है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं लग रहा है, कंट्रोल जेड काम है इसका भी। सो उसके बाद मुझे इस बटन को सेंटर में लाना है, उससे पहले छोटा सा डिजाइन इसका बाकी रह गया है। सो इसको बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर दूंगा, एंड बॉर्डर इसका नन कर दूंगा, अब सही है, ठीक है, और इसको होवर इफेक्ट भी दूंगा। सो यहाँ पर कॉल ऑन होवर, और यहाँ से इसको हटाऊंगा, होवर
बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन एंड कलर इसका रेड। सो रेड यहाँ पर जाकर थोड़ा सा लाइट देन, और यहाँ पर चलेंगे हम बॉक्स के अंदर। यहाँ पर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स जस्ट फ्लेक्स करना था, या फिर फ्लेक्स जस्टिफाई कर दिया सेंटर सेंटर एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम और अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सेंटर में आ चुका है। और यहाँ पर इसको कर्सर पॉइंटर एंड ट्रांजिशन, सो इसमें ट्रांजिशन नहीं, मुझे बटन में इसको डिफाइन करना था। सो बटन में इसको डिफाइन करेंगे, सो 0.3 सेकेंड सही है। सो अब ये हम बॉर्डर को अब रनिंग में लाएंगे, जैसे आप लोग देख रहे यहाँ पर चल रहा है। सो वेर इज दी आवर, यहाँ पर है, यहाँ पर है। सो इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मैं, 120% कर दूंगा अब। ठीक है, और यहाँ पर ऐड करेंगे एनिमेशन बॉर्डर 2 सेकेंड लीनियर इन्फिनाइट। ठीक है, इसके नीचे जस्ट नीचे एनिमेशन को डिफाइन करेंगे बॉर्डर, ठीक है, 0% और इसको कॉपी पेस्ट करके 100%। ठीक है, और 0% में ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म और रोटेट 0 degree इसी को कॉपी करूँगा, और 100% में भी इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 degree के बदले यहाँ पर 360 pixel। तो देख रहे हैं अभी हमारा एनिमेशन चल रहा है, बट आप देख रहे होंगे यहाँ थोड़ा सा कट आ रहा है। उसके लिए मुझे इसको हाइट को, आई होप अगर मैं इसको 100% कर दूँ ये परफेक्ट काम करेगा। सो अभी काम नहीं कर रहा है, सो मैं इसको 500 या 600 कर लूँगा। सो अब देख रहे काम कर रहा है, बट थोड़ा सा स्पीड हो चुका है, इसको थोड़ा सा स्लो कर देंगे 1 second। ठीक है, सो अभी हमारा ये भी काम हो चुका है, और यहाँ इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको। सो वेयर इज यू, जिसमें इस हाइट भी डिफाइन हुआ है, एनिमेटेड बॉक्स नहीं है ये। सो इसको कॉपी करूँगा और नीचे मीडिया क्वेरी में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल भी सिंपल, बाकी सब चीज़ से रिमूव करूँगा, बस यहाँ का 4:3 एंड 3:2 हाइट में चेंज ला दूँगा। सो देख रहे हैं, और ये इसका एनिमेशन दूर है, और इसमें जो एरो वाला है थोड़ा पास है। सो उसके लिए मुझे जो मैंने एरो वाला एनिमेशन था उसको भी हाइट एंड विड्थ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिव में, सो का यहाँ पर। सो इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और लास्ट में चलेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, बाकी सबको रिमूव करूँगा, हाइट एंड विड्थ को डिफाइन कर दूँगा, 100 pixel कम कर दूँगा। सो ठीक है, हम देख रहे हैं अभी हमारा पूरा रिस्पॉन्सिव भी हो चुका है। सो हो चुका है सब चीज़, आई थिंक ये एक चीज़ बाकी है, जब भी स्टार्ट होता है तो ये एनिमेशन जैसा आता है, और यहाँ का भी सिंगल लेटर एनिमेटर होता है। सो यहाँ चलेंगे, सो फर्स्ट जो है हमारा ऊपर जाकर वेर यू, यहाँ पर इसमें एक एनिमेशन एड करेंगे, एनिमेशन एनिमेशन जूम जूम इन 1 second लीनियर फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद एट द रेट की फ्रेम, सॉरी जूम इन, ठीक है, 0% ट्रांसफॉर्म स्केल 0, इसको ऊपर कर लेता हूँ, इसको पेस्ट को भी पेस्ट करेंगे, एंड इसमें 100% और यहाँ पर 1। ठीक है, तो देख रहे हैं अभी इस तरह का रहा, मुझे इसको टाइम बहुत कम देना पड़ेगा। सो ठीक है, और इसको भी यही है, सो सही है, ये भी हो चुका है। अब इसको सो यहाँ पर लोड होने का जो ब्लैक आता है और इसमें वाइट दिखता है। सो यहाँ का मैं बॉडी भी डिफाइन कर दूंगा, सो बॉडी मिनिमम हाइट 100 BH एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, अब सही दिखेगा। ठीक है, इसका भी वही है, सो इसको थोड़ा और फास्ट कर दूंगा 2 second। ठीक है, 2 millisecond हो चुका है। अब लास्ट में बाकी क्या, जब भी ये होगा तो यहाँ पर ये एनिमेशन होना चाहिए। सो ठीक है, अब चलते हैं। सो मैं इसका पैडिंग कम कर दूंगा टेक्स्ट का, उसके बाद इसी में एनिमेशन लगाएंगे। सो इसमें नहीं, मुझे H1 में एनिमेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है,
सो एनिमेशन टाइपिंग और वन सेकेंड लीनियर फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसके नीचे इसको डिफाइन करेंगे की फ्रेम टाइपिंग TYPING 0% एंड लास्ट होगा 100%, ठीक है। सो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सो इसमें मुझे सीधा सिलेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट एनिमेशन इसको देन से नहीं होगा। सो इसको कमेंट करता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको भी कॉपी पेस्ट दो बार और एक को मुझे आफ्टर एंड इन ऑर्डर को बिफोर, ठीक है। और यहाँ से सबको रिमूव करूँगा, इसका कंटेंट एम्प्टी, देन कंटेंट एम्प्टी हो चुका है। पोजिशन एब्सोल्यूट टॉप 0 लेफ्ट 0 बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पर पोजीशन इसका एप रिलेटिव, ठीक है। और इसमें बिफोर का कोई काम नहीं है। और उसके बाद इसमें जो हमने कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे एनिमेशन के लिए। और यहाँ पर थ्रेड इंडेक्स 1 10, क्यों नहीं रहा, और इसमें 1 दिया हुआ है। इसको अगर इस टाइप का कर दें सही है, अगर इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें, दिखना तो चाहिए था बट आफ्टर तो है, ये तो दिख रहा है बट यहाँ पर ये बैकग्राउंड ब्लैक नहीं आ रहा है। सो डायरेक्ट इसको बैकग्राउंड डिफाइन करेंगे। सो ऊपर भी टेक्स्ट अगर यहाँ पर थ्रेड इंडेक्स 1, ठीक है। अब आई होप इसको अगर माइनस करूँगा सो ये ब्लैक कलर क्यों नहीं आ रहा है, दूसरा कलर डाल के देखता हूँ। यहाँ पे इसको हटाएंगे सो ये पीछे चला जा रहा है, बट ये क्यों नहीं आ रहा है इसका ये। ओहो मुझे इसका विड्थ एंड हाइट भी डिफाइन करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड विड्थ, कंट्रोल जेड डबल वाई डी एच विड्थ 100% एंड हाइट भी 100%। सो आ चुका है। सो ठीक है, अब यहाँ के कलर में इसको ब्लैक कर दूंगा। देन यहाँ पर इसको अपना एनिमेशन को ऑन करूँगा यहाँ से। देन सो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी मैं इसको ट्रांसलेट एक्स हॉरिजॉन्टली दूंगा। सो ठीक है, और यहाँ पर 1000 not 100%। सो जल्दी 4 सेकेंड सो आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है बट इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। और यहाँ पर ये भी एनिमेट होके आ रहा है। सो बॉक्स को भी मुझे देना पड़ेगा वे यहाँ पर। सो एनिमेशन इसको कौन सा दूँ, टॉप बॉटम बिट यम, ठीक है। इसको 1 सेकेंड लीनियर फॉरवर्ड, इसी के नीचे इसका एनिमेशन भी डिफाइन कर लूँगा टॉप बी टी एम कंट्रोल जेड। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने ऊपर से नीचे आना है, कंट्रोल जेड सही था। सो 0% सॉरी ये टच कर 0%, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर 100%, ठीक है। सो 0% में ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, सो ऊपर से नीचे आ रहा है। सो ऊपर जाने के 100 पिक्सल एंड इसका ओपेसिटी 0, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी एंड इसमें कंट्रोल भी और यहाँ पर 1 और अपनी जगह पर आ जाएगा जहाँ पर चलो, ठीक है। चेक करेंगे सो ये हमारा वाला यहाँ है सो इसको, ठीक है। सो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका भी ओपेसिटी 0 कर देना पड़ेगा, ओपेसिटी 0 यहाँ पर सेमी कॉलम छूट गया था, सब चेक करेंगे, ठीक है। और इसको भी चेक कर लेता हूँ। सो पहले वो आने का तभी आता है, तो उसके लिए
इसको एनिमेशन डिले 0.5 0.3 सेकेंड, अब सही है ठीक है, और ये थोड़ा सा फास्ट आना चाहिए तो 0.7 सेकेंड कर देता हूँ इसको, अब ठीक है। और जो हमारा टेक्स्ट था उसको भी थोड़ा सा स्पीड कर दूंगा, सो 1.5 ठीक है, चलो एक बार और देख लेते हैं, सो 2 ठीक था, थोड़ा और फास्ट हो चुका है। सो मुझे क्या करना है, ये नीचे आने के बाद ये एनिमेशन शुरू होना चाहिए, तो इसके लिए भी इसको डिले कर दूंगा, एनिमेशन डिले सो 0.7 सेकेंड ठीक है। सो ये थोड़ा इसको फास्ट करूँगा, अब सही है। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर भी 0.5 कर दूंगा, सही है। सो ये हो चुका है हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, ओहो ये बाहर जा रहा है। सो इसके लिए मुझे टेक्स्ट के अंदर नहीं, वो H1 के अंदर था, सो मुझे इसको भी ओवरफ्लो हिडन इसमें नहीं है, सो ओवरफ्लो हिडन, सो वेलकम। सो मुझे इसमें नहीं करना था, कंट्रोल एक्स टेक्स्ट में नॉट H1 में, सो वेर इज द H1 यहाँ पर, सो अब ठीक है, वेलकम टू गेम। और यहाँ पर एक छोटा सा चीज, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज वेलकम टू गेम वर्ल्ड ठीक है, और यहाँ पर भी लिखेंगे। सो इसमें थोड़ा सा पैडिंग रख देता हूँ, मैंने चेंज किया था, सो 20 रेंज फॉर ठीक है, अब सेम टू सेम कंप्लीट हो चुका है। सो एक और थोड़ा सा चीज, ये ऊपर से जा रहा है बट इसमें ये अंदर से जा रहा है, सो उसके लिए बॉक्स को पीछे कर देंगे या इसको ऊपर कर देंगे। सो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर टेक्स्ट बॉक्स ये हटा दूँ यहाँ से, सो हो चुका है। सो देख रहे हैं, सो हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे, तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी, यहाँ पर नॉर्मल ये 2 कर देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 कर देता हूँ ठीक है, और चेंज कलर, और लास्ट अगर इफ कलर 1 इज इक्वल टू कलर 2 देन ऐसे यही कंट्रोल सी कंट्रोल भी, और यहाँ पर हम यहाँ पर सेकेंड कलर वाले पर देंगे, और कलर मस्ट बी डिफरेंट RENT ठीक है। तो आप चेक कर लेंगे एक बार, चेंज यहाँ पर कलर तो चेंज हुआ है अभी, व्हाई दिस प्रॉब्लम को, तो मुझे यहाँ पर सेकेंड कलर देना पड़ेगा ठीक है। तो अब चेक करेंगे तो यहाँ पर ठीक है, अगर कलर सेम हो चुका है, जैसे शुरू में तो ब्लैक ही ब्लैक होता है, तो कलर चेंज करो, कलर मस्ट बी डिफरेंट, ये सही आ रहा है कंप्यूटर, और यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे इसका, और यहाँ पर भी सेकेंड ठीक है, और यहाँ पर भी कलर चेंज कर देंगे, ओके इन सबमिट, तो हमारा फॉर्म वैलिडेशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर चला जाता है ठीक है, अब इसको डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले HTML पार्ट कंप्लीट करूँगा मैं इसका, और उससे पहले मैं अपने डैश कोड एडिटर का साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ठीक है। देन हम यहाँ पर फॉर्म है, फॉर्म को मिनिमाइज करेंगे, देन फॉर्म के नीचे आ जाएंगे, तो ठीक है यहाँ पर हम लिखेंगे गेम, सॉरी मैं इसको क्लास दूंगा डीप के अंदर, सो गेम बॉडी ठीक है, और गेम के बॉडी के अंदर दो चीज़ है, फर्स्ट ये इन्फॉर्मेशन देने वाला बॉक्स, और सेकेंड ये हमारा गेम वाला बॉक्स ठीक है। डॉट यूजर इन्फो ठीक है, और उसके बाद देखिए कनेक्ट फॉर गेम ठीक है, और इसके अंदर 41 0 से शुरू है 41, सो इसमें 42 हमारा इसमें बॉक्स है, मैं इसमें दूंगा डॉट सेल ठीक है, और इसमें 42, तो कंट्रोल जेड मैं इसको डायरेक्ट इनटू, और यहाँ पर 42 कर दूंगा, तो ये डायरेक्ट मेरा 42 बन के आ जाएगा ठीक है, तो 42 आ चुका है। और उसके बाद
इन्फो में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर देंगे और उसको स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका डिज़ाइन करेंगे। फर्स्ट में नॉर्मल हमारा मैसेज है S2, ठीक है। सो कनेक्ट फॉर मास्टर गेम, उसके बाद प्लेयर का इन्फॉर्मेशन, सो डॉट प्लेयर बॉक्स, उसके अंदर डॉट प्लेयर टू, मैं इसको डीप ना लेके सर स्पैन दूंगा, ठीक है। सो इसमें क्लास फर्स्ट प्लेयर, ठीक है, और यहाँ पर एफ आई आर एस टू फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड में स्पैन और सेकेंड में कलर है, तो इसमें डायरेक्ट में क्लास दूंगा क्लास कलर वन, डायरेक्ट कलर वन करता हूँ, हाइफन इसमें नहीं यूज़ करूँगा। चल फिर से इसको कॉपी करेंगे तो और पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इसमें सेकेंड SECOND सेकेंड, और यहाँ पर भी नाम चेंज करेंगे हम SECOND सेकेंड, और यहाँ पर कलर टू, ठीक है। और ये हमने यहाँ फॉर्मेट पहले से डिस्क्राइब किया हुआ है, एक बार चेक कर लेंगे। तो कलर है और ठीक है, तो हमने इसको डिफाइन नहीं किए हुए है क्लास को, अगर सेम सेम हो जाता तो हमारे डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए हम चेक कर लेंगे एक बार। तो ठीक है, यहाँ पर डीप प्लेयर बॉक्स, ये बीच का प्लेयर बॉक्स है, देन ये बीच में, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसमें डॉट प्लेयर, ठीक है, और इस फर्स्ट प्लेयर और कलर वन को इसके अंदर रख दूंगा, तो आ चुका है। एंड फिर से डॉट प्लेयर, और ये हम सेकेंड प्लेयर और कलर टू को इसके अंदर रख दूंगा, ठीक है, ये हो चुका है। अब लास्ट हमारा यहाँ पर देख रहे हैं, जब भी हम क्लिक करते हैं ये चेंज हो जा रहा है, क्योंकि ये चांस बता रहा है प्लेयर चांस, अगर न्यू का टर्न खत्म हो चुका है तो सेकेंड वाला का नन टर्न आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हिडन कर मिनिमाइज करूँगा प्लेयर बॉक्स को, और उसके नीचे डॉट प्ले PLAY प्लेयर CHANCE, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे कोई टेक्स्ट में डिफाइन कर दे रहा हूँ फर्स्ट का, ठीक है, इतना हो चुका है। तो हमारा HTML पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब चलते अपनी CSS फाइल में और इसको डिज़ाइन करते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊँगा हमारा प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये इसी प्रोजेक्ट का है और ये हमारा जो कंप्लीट हो चुका है वो प्रोजेक्ट है, मीन्स ये हमारा डेमो के लिए, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए प्रोजेक्ट है, और ये हम जो बना रहे हैं, जो फर्स्ट वीडियो में ये बनाया था, सेकेंड वीडियो में हमने ये बनाया था। तो इसमें मैं इसे ऑन करता हूँ, और यानी वन, इसमें कलर भी कोई चूज़ करूँगा, ओके PWO2, और यहाँ पर भी कलर कोई भी डिफाइन, ओके एंड सबमिट। तो अभी नहीं होगा सबमिट, तो हमारा अभी टेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको गायब करूँगा, मीन्स हिडन करूँगा, तो इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसको क्लिक करने पर आ रहा है और इसको क्लिक करने पर आ रहा है, तो ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर है, तो हम यहाँ गेम बॉडी पे जाएंगे, कंट्रोल सी है, और स्टाइल पार्ट में, और लास्ट में कंट्रोल इंड, और मीडिया क्वेरी के जस्ट ऊपर, तो डॉट कंट्रोल भी, ठीक है। तो इसको मैं टेम्प्रोरी विड और हाइट फिक्स कर रहा हूँ, इसको हम रिमूव कर देंगे बाद में, तो 600 पिक्सल, ठीक है, और इसमें बैकग्राउंड कलर वाइट, तो यह भी वाइट आ चुका है इसमें। और इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम डी सेंटर फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाएंगे ऊपर, और तो यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे और फॉर्म को एक्टिव क्लास के साथ ऐड कर देंगे, और उसमें डिस्प्ले नॉन रख देंगे, तो फॉर्म डॉट एक्टिव डिस्प्ले ग्रेट नोट नॉन, ठीक है। और इसको हम यहाँ हमने फॉर्म पर जब भी सबमिट क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज हिडन हो जाना चाहिए, और हिडन होने के बाद ये गेम बॉडी एक्टिव हो जाना चाहिए, तो ठीक है। सो इसमें भी डॉट गेम बॉडी डॉट एक्टिव एंड डिस्प्ले नॉन, ठीक है, और इंडेक्स फाइल में चलेंगे और गेम बॉडी के कंट्रोल जेड साइड में एक्टिव को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ये गायब हो चुका है गेम बॉडी का पार्ट, तो अब जावास्क्रिप्ट फाइल में चलते हैं और इसको चालू में लाएंगे इस प्रोजेक्ट को।
तो हमने यहाँ पे फॉर्म को वैलिडेट किया हुआ था, थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहीं पे एक कंडीशन लिखेंगे फॉर्म वैलिडेट के फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इफ इफ क्या क्या नाम था मैं भूल गया, देख लेता हूँ। फर्स्ट नेम सॉरी प्लेयर वन, प्लेयर टू, कलर वन एंड कलर टू। तो प्लेयर वन डॉट लेंथ लिमन नॉट एल ई एन जी टी एस लेंथ इज ग्रेटर देन जीरो, और नॉट एंड लगाऊंगा मैं, एंड प्लेयर टू डॉट लेंथ इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, एंड कलर वन इज नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू हमारा ब्लैक कलर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। एंड फिर से आ गया मेरा एंड साइन, ठीक है। उसके बाद कलर टू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू ब्लैक 1 2 3 4 5 6। एंड मुझे क्या देना था, एंड कलर वन इज नॉट इक्वल टू कलर टू, ठीक है। और उसके बाद ऑल्ट जेड, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। उससे पहले हमको फॉर्म, हमने फॉर्म को यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, तो फॉर्म को है और ये हमें देना बाकी है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी और ट्रांसक्रिप्ट फाइल में, और यहाँ पर फॉर्म के जस्ट नीचे इसको डिस्क्राइब कर देंगे, कॉन्स्ट गेम बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर डॉट कंट्रोल भी आ जाएगा। तो इतना हो चुका है, अब चलते हैं जहाँ पे हमने कंडीशन लगाया था वहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे। अगर ये दोनों हो चुका उसके बाद फॉर्म एफ ओ आई एम फॉर्म डॉट क्लास क्लास लिस्ट डॉट क्लास लिस्ट एड, ठीक है। इसमें एक्टिव एड कर देंगे कंट्रोल जेड एस सी ई आई वी, ठीक है। उसके बाद गेम बॉडी में रिमूव कर देंगे, तो गेम बॉडी और यहाँ पर एड को हटाकर रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टाइल फाइल में चलेंगे, हमें सी एस एस फाइल में, और यहाँ पर क्या था वो एनिमेशन, जूम वाला एनिमेशन, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी, और हमारा जो गेम बॉडी है उसमें रख देंगे कंट्रोल पी। अब चेक करेंगे हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। सो स्टार्ट गेम में क्लिक करने पर फॉर्म वाला पार्ट आ रहा है, और फॉर्म वाला पार्ट को क्लिक करने पर हमारा गेम वाला बॉक्स आ जा रहा है। तो चलते ही ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब इसको डिजाइन करते हैं अच्छे से। तो ये विद एन हाइट इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ अपने कोड एडिटर को, और स्टाइल फाइल एंड एचटीएमएल फाइल को स्प्लिट कर लेता हूँ, तो जिससे मुझे इजी होगा इसको डिजाइन करने में, और सीएसएस वाले फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता, ठीक है। तो डॉट यूजर इनफो, ठीक है। तो इसका विड्थ 100% कर दूंगा, और गेम बॉडी का विड्थ मैंने विड्थ यहाँ से हटा दिया है, तो इसका विड्थ 600 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद पैडिंग, तो डी आई एन जी पैडिंग 10 पिक्सल, तो पैडिंग हो चुका है। और उसके बाद इसको इतना ही रेंज देता हूँ। क्या सेकेंड में क्या है हमारा डॉट प्लेयर बॉक्स, ठीक है। तो प्लेयर बॉक्स में भी पैडिंग टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट सबसे मैं 5 पिक्सल रख लूँगा PIMG padding, और इसका भी विड्थ 100%, ठीक है। और उसके बाद डॉट प्लेयर बॉक्स डॉट प्लेयर क्या था डॉट फर्स्ट, तो मैंने मिनिमाइज किया हुआ है, सो इसको खोल देता हूँ। फर्स्ट प्लेयर कलर वन, सेकेंड प्लेयर FIST फर्स्ट प्लेयर, ठीक है। तो मैं इसको फोन साइज डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, सिर्फ मैं यहाँ पर प्लेयर बॉक्स में ही फोन साइज डिफाइन कर दूँ, तो मैं इसको यहाँ पर इसको डिफाइन करूँगा। सो फोन साइज 2 RAM, ठीक है। और इसको कॉपी पेस्ट करेंगे फिर से, देन यहाँ पर कलर को डिफाइन करेंगे,
तो डॉट color कलर वन इसका width 20 पिक्सल एंड हाइट भी इसका 20 पिक्सल border रेडियस border नॉट border border रेडियस 50% एंड बैकग्राउंड कलर border कलर नॉट बैकग्राउंड कलर रेड। तो इसको हम बाद में चेंज करेंगे जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के बाद। मैं इसको यहाँ से ये हटाता हूँ, फिर से इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, कलर वन को कलर टू कर दूँगा और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दूँगा, कौन सा ग्रीन रखूँगा। ठीक है, अब एक बार अपने ब्राउजर में चेक करेंगे तो अभी हमारा ये शो क्यों नहीं हो रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको डिस्प्ले फ्लैश कर दूँगा, सब चेक करते हैं। तो अभी दिख रहा है, तो अभी भी फ्लेक्स नहीं हुआ है, इसको मुझे फ्लेक्स करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम डिस्का सेंटर सब चेक करेंगे। तो ये हमारे सेंटर में आ चुका है और यूजर इन्फॉर्मेशन को मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा। तो अब सही है, ठीक है। और ये हमारा जो फर्स्ट है इसका साइज भी बढ़ाऊंगा, फर्स्ट में H2 है तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर H2 और इसका साइज बढ़ाएंगे, फॉन्ट साइज 2.5 रैम और इसका फॉन्ट फैमिली 10 सेरिफ। अब इसको चेक करेंगे तो ये हम सही दिख रहा है, ठीक है। और ये सही है और इसको भी सेंटर में लाना है। तो मैंने यहाँ पर प्लेयर पर फ्लेक्स दिया हुआ था तो इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बेसलाइन और सेंटर एंड लाइन आइटम इसका सेंटर अब चेक करेंगे, सेंटर में आ चुका होगा। तो सेंटर में आ चुका है तो हमारा यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये VS का। तो फिर से HTML फाइल में चलेंगे और यहाँ पर प्लेयर हमारा कहाँ है, प्लेयर बॉक्स पूरा है तो एक प्लेयर बॉक्स का ये है, इट्स ओनली प्लेयर का और यहाँ पर भी रख लेंगे डॉट प्लेयर, ठीक है। और उसमें स्पैन VS तो क्लास VS सब चेक करेंगे। ये हमारा, इसको ओपन करता हूँ, ये दिख रहा है। तो हमने इसको पहले भी इसको डिफाइन किया हुआ है इस फॉर्म वाले पार्ट में यहाँ पर, तो इसका सेम डिजाइन अभी यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो इसको चेंज करेंगे हम, तो यहाँ पर चेंज करने के लिए VS की कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये हो चुका है और उसके बाद प्लेयर चांस, तो उसको अभी करना बाकी। यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ डॉट VST, ठीक है, और डॉट प्लेयर PLAYR प्लेयर CHANCE चांस, स्पेलिंग चेक कर लेंगे PLAYER CHANCE चांस, ठीक है। और उसके बाद हमारा है डॉट कनेक्ट फॉर गेम एंड उसके बाद डॉट टेल, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, कनेक्ट फॉर JS को एक बार चेक कर लेंगे इसका स्पेलिंग, ठीक है। और उसके बाद मैं HTML फाइल को यहाँ से हटा देता हूँ, अब अपने स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ आप और यहाँ पर इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर चलेंगे, अब यहाँ पर ऐसा आ रहा है, अब इसको डिजाइन करेंगे VS को पहले। तो इसमें कलर रेड, ठीक है, फॉन्ट फैमिली 10 सेरिफ, देन मार्जिन टॉप एंड बॉटम 0, लेफ्ट एंड साइड 10 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट साइज 2 रैम, थोड़ा बढ़ाता हूँ 2.5 रैम, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म रोटेट जेड माइनस 20 डिग्री, सही दिख रहा है। अब इन दोनों की बारी, तो कलर वन एंड कलर टू, मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल, ठीक है, मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ, सही है। फिर भी कंट्रोल सी और सेकेंड में भी कलर टू में भी। देन यहाँ पर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, सही है, फॉन्ट फैमिली फॉन्ट या कोई एंटी फैमिली सेंस सेरिफ, ठीक है। और उसके बाद इसका भी फॉन्ट साइज 2.5 रैम कर देंगे, तो बड़ा हो चुका है, सो इसको 2 रैम देता हूँ। और
पीएसटी का भी इसका भी 2 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और इसमें थोड़ा और स्पेस दे दूंगा, तो इस बार मैं इसमें पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग 0 10 पिक्सल, अब सही है। तो लास्ट हमारा ये प्लेयर चांस, सो फोन साइज 2 रैम, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ, ठीक है। और फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो यहाँ कहाँ गया हमारा गेम बॉडी, ठीक है। सो गेम बॉडी को मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, लास्ट में मीडिया क्वेरी में यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर 5, ठीक है। और इन सब का ये कोई काम नहीं, सो इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देन अब चलते हैं फिर से ऊपर, तो अब हमारा कनेक्ट गेम का, ये हमारा गेम का जो बोर्ड है उसका डिज़ाइन करेंगे। सो विथ 100% हाइट, 100% बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स रैप रैप कर देंगे। अब हमारा जो सेल है वो राउंडेड जो बॉक्स है उसको डिजाइन करेंगे। सो इसका विड्थ में डिफाइन करता हूँ 75 पिक्सल एंड हाइट भी 75 पिक्सल, तो ये हमारा आ चुका है। और उसके बाद इसमें बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर दूंगा 2-3, ठीक है। एंड मार्जिन 5 पिक्सल, ठीक है। और इसका बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है। तो ये लंबा हो जा रहा है, और इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और इसका 60 पिक्सल, सॉरी 6 पिक्सल हो चुका है, मुझे 60 पिक्सल करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ चुका है 1, तो इसको थोड़ा सा स्पेस देंगे, यहाँ पर स्पेस है, तो स्पेस कहाँ गया हमारा, तो ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। तो मार्जिन टॉप देंगे हम 10 BH, तो माइनस 10 BH, तो मैंने कलर का डिफाइन किया था और गेम बॉडी का, सो गेम बॉडी का कलर डिफाइन ना करके मैं इसमें यूजर इन्फॉर्मेशन का रख देता हूँ। तो अब यहाँ पर स्पेस भी हमारा आ चुका है, ठीक है। तो हमारा गेम का बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ ये भी हो चुका है, और इसका फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाना चाहिए तो अच्छा दिखेगा। तो कहाँ गया यहाँ पर, तो फॉन्ट वेट बोल्ड, तो ठीक है, वो अच्छा दिख रहा है। हम इस फॉर्म के अंदर जो भी हम यहाँ पर नेम देंगे और कलर देंगे, सो वो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो चलते अपने कोड एडिटर में साइड में, और उससे पहले मैं अपने कोड एडिटर को साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा के पूरा ही बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद अपने HTML फाइल को ओपन करूँगा, और HTML और JavaScript फाइल को स्प्लिट कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा दूँगा, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद हम अपने जो हमने फॉर्म वैलिडेट फंक्शन बनाया था एरो फंक्शन, उसके अंदर हम अपने कहाँ गया हमारा गेम का डैशबोर्ड, सो गेम बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। सो उसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट प्लेयर कलर 1, सेकेंड प्लेयर एंड कलर 2, ठीक है। सो लेट फर्स्ट FIRST फर्स्ट प्लेयर इज कॉल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर हम फर्स्ट FIRST फर्स्ट प्लेयर नियर लें वही यहाँ, ठीक है। उसके बाद लेट सेकेंड प्लेयर सेकेंड PLAYR प्लेयर इज कॉल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर सेकेंड सेकेंड प्लेयर, ठीक है। और उसके बाद हमें कलर 1 और कलर 2 को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेट कलर 1 इज कल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और उसके अंदर डॉट COLOR कलर 1, ठीक है। और इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको 2,
और यहाँ पर भी 2, ठीक है। सो ये हमारा मैच सेम टू सेम हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर हाइफन मीन्स अंडर स्कोर बॉक्स, ठीक है, और इसमें भी अंडर स्कोर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसमें जब भी हमारा क्लिक होगा तो इसमें का जो वैल्यू होगा वो इसमें आ जाएगा। सो ये लास्ट में चलेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट प्लेयर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, सो हमारा हमने किसके अंदर रखा था, प्लेयर वन, ठीक है। सो प्लेयर वन का जो वैल्यू होगा जो इसमें आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड प्लेयर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू सेकेंड, सो सॉरी प्लेयर टू, ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद अब कलर, सो कलर बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट कलर, ठीक है। सो क्या चेंज है, कलर वन, फर्स्ट कलर नोट, मुझे यहाँ पर कलर वन देना पड़ेगा। सो कलर वन, उसके बाद हमारा कलर टू बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू कलर टू, ठीक है। इसके बाद अपने ब्राउजर में चेक करेंगे। सो मैं अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ। सो देख रही है अभी हमारा नाम आ चुका है। उसके बाद इसमें जो हमारा बैकग्राउंड इसका कलर चेंज होना है, उसके बदले पे यहाँ वैल्यू आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को दिया हुआ है। सो इसको हम चेंज करेंगे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे अपने ब्राउजर पर यह काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सो ब्लू है, सो यहाँ पे ब्लू आ जाना चाहिए। सो ब्लू आ चुका है। सो इसी को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, ठीक है, डबल इक्वल टू से सिंगल कर देंगे। सो अब चेक करेंगे अपने ब्राउजर पे ये दोनों कलर शो हो रहा है कि नहीं छोटे से बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो देख रहे हैं हमारा नाम और यहाँ पर जो बॉक्स था उसके कलर और यहाँ पर भी कलर शो हो रहा है। उसके बाद इसमें भी सो हमने यहाँ ऊपर पर डिफाइन किया हुआ है कि नहीं चेक कर लेंगे। सो लेट फर्स्ट चांस इक्वल टू, यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं हुआ है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँगा इसके नीचे, ठीक है। सो कॉन्स्ट प्लेयर चांस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और हमारे यहाँ पर चांस है, सो प्लेयर चांस, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल सी और कहाँ गया यहाँ पर डॉट कंट्रोल वी, ठीक है। उसके बाद प्लेयर चांस कंट्रोल सी और इस फॉर्म के अंदर कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें डॉट इनर टेस्ट इक्वल टू बैक टिक, ठीक है, इसके अंदर प्लेयर, सो डॉलर का साइन और यहाँ पर लिखेंगे प्लेयर वन, एस टर्न, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे ये हमारा शो हो रहा है कि नहीं। सो इंटर, यहाँ पर मैं कोई भी वैलिड नेम दे दूंगा, सो कंप्यूटर और यहाँ पर प्लेयर पीएल, सो कंप्यूटर टर्न। सो ये हमारा फॉर्म विदाउट सबमिट करने के बाद भी सबमिट हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर छूट गया है, इसको हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर ई, उसके बाद ई डॉट डिफॉल्ट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। सो उसके बाद अब सही हो जाएगा, यहाँ देखेंगे कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा खुद से ये सबमिट नहीं होगा। सो कंप्यूटर यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्लेयर, ठीक है, और सबमिट करेंगे। सो देख रहे हैं फर्स्ट कंप्यूटर और प्लेयर और फर्स्ट में कंप्यूटर टर्न, ठीक है। सो इतना हो चुका है, अब चलते अपनी गेम की डैशबोर्ड की तरफ और इसको कंप्लीट करेंगे, इसको वर्किंग में लाएंगे। सो उसके लिए सबसे पहले मैं रिकॉर्ड एडिटर में आ जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर दो नया फाइल बना लूंगा, सो इंडेक्स टू डॉट html, ठीक है, और एक फाइल होगा game.js, ठीक है। सो उसके बाद जो हमारा index.html जो भी है उसको कॉपी करेंगे और इंडेक्स टू में पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद इसमें सिर्फ अपना गेम का डैशबोर्ड रहने देंगे, उसका बाकी सब यहाँ से हटा देंगे। सो गेम का डैशबोर्ड का मिनिमाइज हो गया, कंटेनर। सो सबसे पहले मैं अपना ये एनिमेट कवर गेम हटाता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंटेनर के अंदर हम अपना फॉर्म हटाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो जो एक्टिव है उसको भी हटा देंगे, क्योंकि एक्टिव क्लास में हमने डिस्प्ले हिडन मीन्स डिस्प्ले नॉन ऐड किया हुआ है। सो ये रहेगा तो हमारा डिस्प्ले शो नहीं होगा, ये हटा दिए तो अब डिस्प्ले शो होगा। सो इसके अपने ब्राउजर पे ओपन कर लूँगा लाइव सर्वर की मदद से।
सो देख रहे हैं ये हमारा आ चुका है गेम का डैशबोर्ड। अगर इसी में कनेक्ट करके चलाते हैं तो बार बार हमें ये बटन को क्लिक करना पड़ता है, दो दो बटन को, और इस गेम के डैशबोर्ड को लाने के लिए, क्योंकि जब भी हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे तो पेज बार बार रीलोड होगा। सो इसलिए हमने एक नया पेज बनाया है, उसके अंदर इसको रख देंगे। सो ये कंप्लीट करने के बाद, इसमें अपना जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करने के बाद, इसको हम अपने प्रोजेक्ट में रख देंगे, ठीक है। सो इसको स्प्लिट कर लेता हूँ मैं अपनी स्क्रीन को, ठीक है। और हमारा जो index2.html है, उसमें script.js हटाकर यहाँ पर जो हमने नया फाइल बनाया है जावास्क्रिप्ट का, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ चेक कर लेंगे ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं, अलर्ट वेलकम, ठीक है। सो देख रहे हैं हमारा कनेक्ट हो चुका है। सो अब चलते हैं इसको, अपना गेम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारा जो बॉक्स है, ये व्हाइट व्हाइट गोल गोल जो बॉक्स है, इसमें इंडेक्स का वैल्यू शो करूंगा। सो ये स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इंड जितना भी ये खत्म होगा जितने नंबर पर, वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके लिए सिंपल लेट काउंट COUNT काउंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसमें मुझे दो चीज सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक क्या, ये गेम का पेरेंट कंटेनर और ये इसका चिल्ड्रन कंटेनर, मीन्स इस डैशबोर्ड का पेरेंट डिव और उसके अंदर का चिल्ड्रन, ठीक है। सो इसका हमारा यहाँ पर है, सो ये हमारा पेरेंट कंटेनर का क्लास है। सो फर्स्ट में इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, const control z game board बोर्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कंट्रोल जेड, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें ये पूरा ये छोटा छोटा जितना भी बॉक्स है गोल गोल, उसको सिलेक्ट करना है। सो इसका नाम है सेल, तो हम सारे सेल्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इसको कॉपी किया और यहाँ पर सेल्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि मुझे पूरे को सिलेक्ट करना है इसलिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करना पड़ता है। सो उसके बाद यहाँ पर CELL सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर नंबर शो करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पर क्या है, मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा सेल्स में, ठीक है, फॉर ईच। सो हमारा इसमें एलिमेंट पास करूंगा, ठीक है। उसके बाद इसको एरो फंक्शन, सो यहाँ पर प्लस आ चुका है, इसको मुझे इक्वल टू लिखना पड़ता है पड़ेगा, ठीक है। सो उसके बाद ये हो चुका है। सो ये हम ये फॉर ईच लूप कौन सा काम करता है, ये सेल्स ने पूरे हमारे सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है, मीन्स यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। सो इससे ये लूप मुझे वो बार बार सिंगल सिंगल करके सब कुछ देगा वैल्यू एलिमेंट्स, ठीक है। सो चेक कर लेंगे यहाँ पर पहले कंसोल डॉट लॉग सेल, ठीक है। सो इसको मैं अपने इंस्पेक्ट में ओपन करता हूँ कंसोल में। सो देख रहे हैं ये मुझे सारा मेरा सेल्स जितने भी है वो यहाँ पर शो कर रहा है कंसोल में। सो ये सिलेक्ट करके दे रहा है, तो इसको हटा देता हूँ। सो उसके बाद एक और लूप लगाऊंगा, फॉर लूप। सो फॉर लूप किस लिए काम लगता है, हमें जब पता होता है हमारा लूप इतनी बार चलना चाहिए, सो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सो लेट आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और उसके बाद आई इज लेस देन सेल्स डॉट लेंथ, ठीक है। और जितना भी इसका लेंथ होगा वो उतनी बार चलेगा, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, तो उसके बाद हम ये जो काउंट है जो इसके अंदर इसका वैल्यू शो कर देंगे। सो यहाँ पर हम देंगे सेल डॉट इनर एचटीएमएल नॉट इनर टेक्स्ट सॉरी टीईएक्सटी टेक्स्ट इज इक्वल टू काउंट, ठीक है। सो आप देखेंगे हमारा सारा बॉक्स में जीरो जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये बार बार जीरो ही काउंट मीन्स लूप में चल रहा है। सो इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे। सो इसको मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा, सो इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। अब हम इसको काउंटिंग बनाएंगे, उसके लिए मुझे काउंट में इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा प्लस प्लस, ठीक है। सो आप लोग देख रहे हैं जीरो से यहाँ तक 41 तक आ चुका है। सो इसमें टोटल 42 बॉक्सेस है, क्योंकि यह जीरो से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पे 41 दिख रहा है। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सो अब चलते अपने पिछले वाले प्रोजेक्ट को, देखते हैं किस टाइप का था। सो इसमें जल्दी से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कोई भी नाम इसमें रख दूंगा। सो सबमिट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट में आप देख रही हैं हमारा ये होवर हो रहा है, ऊपर में जो बॉल है वो हमारा यहाँ पर जब भी किसी भी उस पर जाती है बॉक्स पे, तो उसके ऊपर ये आ जा रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हम ये कंप्लीट करेंगे। सो चलते अपनी डैशबोर्ड की तरफ और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इसमें भी मैं सेम इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे और ये ऊपर कर दूंगा। उसके बाद इस अंदर के लूप को हटा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमने सिंगल पैरामीटर दिया होता है, सिंगल पैरामीटर सिर्फ एलिमेंट के लिए, और मुझे यहाँ पर इंडेक्स के लिए भी चाहिए, तो ठीक है। तो सेल और यहाँ पर CEL सेल और एक इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद सेल डॉट ऑन माउस इंटर,
ठीक है, ये इवेंट है, जैसे क्लिक इवेंट होता है, क्लिक करने पर कोई भी चीज शो होता है। ये माउस इंटर मीन्स जब भी इस बॉक्स पे यहाँ ऐसे इंटर होंगे, ये एरो, ये पॉइंटर जब भी इंटर होगा तो कोई भी यहाँ पर जो डिफाइन किया हुआ फंक्शन होगा वो चलने लगेगा। ठीक है, सो इट्स कॉल टू एरो फंक्शन। सो यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ चुका है, इसको हटा देंगे। सो इसके बाद सिंपल कंसोल डॉट लॉग और इंडेक्स। ठीक है, सो इसको मैं इंस्पेक्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट कर कर कंसोल के अंदर। ठीक है, सो जब भी मैं यहाँ पर जितने भी इंडेक्स के बॉक्स में जाऊँगा जब भी मैं यहाँ पर जो हमारा जो बॉक्स है उसके बॉक्स में जाऊँगा सो उसका इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। देख आप लोग देख रहे होंगे, जीरो पर गया है तो जीरो शो हो रहा है, वन पर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, देख रहे हैं। सो माउस ऑन माउस इंटर इवेंट, जब भी हम हमारा जो पॉइंटर होगा वो किसी पे जो इवेंट लगाएंगे उस बॉक्स पर, तो ये हमारा फंक्शन काम करेगा। ठीक है, सो ये हो चुका है। तो हमें इसमें करना क्या है, हमें इसमें कॉलम लेना है। सो इसमें हमारा कितना कॉलम है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, तो टोटल सेवन कॉलम है, बट हमें जीरो से शुरू करना पड़ता है, तो इसके लिए हमारा टोटल इसमें सिक्स कॉलम है। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली परसेंटेज और सेवन कर देंगे। सो इस परसेंटेज को मॉडुलो ऑपरेटर भी कहते हैं, मीन्स रिमाइंडर ऑपरेटर, मीन्स इंडेक्स जो हमारा इंडेक्स है ये जीरो, सो ये डिवाइड होगा सेवन से, और इसका जो रिमाइंडर होगा वो वैल्यू हमें यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, सो आप जैसे देख रहे होंगे ये फर्स्ट में मुझे जीरो शो कर रहा है, सेकेंड में वन, थर्ड में टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, और मैंने यहाँ पर सेवन ही यूज क्यों किया, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट रो में हमारा जो लास्ट होगा ये इंडेक्स ये सिक्स है, है ना, अगर ये जीरो से हो रहा है इसलिए सिक्स है, बट इसको हम वन से काउंट करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, इसलिए मैंने यहाँ पर सेवन डिवाइडेड किया। अगर यहाँ पर ओनली सिक्स होता तो यहाँ सिक्स करते, फाइव होता तो फाइव करते, एट होता तो यहाँ एट करते, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं और इसका रिमाइंडर हमको मिल जाता है, क्योंकि हमने रिमाइंडर ऑपरेटर यूज किया हुआ है। सो इसके बाद हमारा जो कॉलम है ये हमें मिल गया। ठीक है, सो इसको हम एक फंक्शन के अंदर डालेंगे, सो ऑन माउस होवर इन सेल। ठीक है, सो एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने जो अपना कॉलम सेलेक्ट किया हुआ था, हम इस कॉलम को ग्रैप किया हुआ था, सो इसको इसके अंदर दे देंगे और यहाँ पर इसको कमेंट कर देंगे। सो नीचे आके इस नाम का एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, कंट्रोल सी, सो फंक्शन, और जो हमने फंक्शन नाम डिफाइन किया था उसके अंदर, सो इसमें एक पैरामीटर पास करूंगा कॉलम। ठीक है, सो इस कॉलम में जब भी यहाँ पर होवर करूंगा यहाँ पर, सो जीरो, सो ये जीरो है तो यहाँ पर ये जीरो पास हो जाएगा। सो ये जीरो किस चीज का, ऑन माउस होवर इज नॉट सेल, इस नाम तो सेम है, नॉट डिफाइन, ओ अभी डिफाइन नहीं किया इसलिए जीरो है, यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कुछ भी, कंसोल डॉट लॉग कॉलम। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर जाएंगे तो आप देख रही है हमारा कॉलम नंबर सिक्स है, कॉलम नंबर फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, जीरो। ठीक है, सो हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमें करना क्या है, हमें यही जो हमने यहाँ पर देखा ये ऊपर जो हमारा बॉल है शो हो रहा है वो यहाँ पर होवर होके आना चाहिए। ठीक है, सो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, उसके बाद इसको भी कमेंट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा हमारा जो इसका पैन कंटेनर है वो शो गेम सॉरी सेल इज कल टू गेम बोर्ड डॉट चिल्ड्रेन। ठीक है, और उसके अंदर कॉलम। ठीक है, सो ये हमारा कॉलम सिलेक्ट करके दे रहा है ये जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स तक। उसके बाद हम इस सेल में सो एक नया एक हम डिप बनाएंगे, मीन्स क्रिएट करेंगे, सो लेट क्वाइन इज कॉल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट सी आर ई एट ई एट ई क्रिएट एलिमेंट, और एक हम इसमें डिप क्रिएट कर दिए। सो इस डिप को हम एक क्लास नेम डिफाइन करेंगे, क्वाइन डॉट क्लास नेम इज कॉल टू क्वाइन सी वाई एन क्वाइन। ठीक है, उसको एक डाटा सेट एट्रीब्यूट भी देंगे, सो क्वाइन डॉट डाटा सेट डॉट प्लेस्ड पी एल एस सी डी प्लेस्ड इज कॉल टू फॉल्स। ठीक है, उसके बाद इसको अपेंड कर देंगे किस सेल के अंदर, सेल डॉट अपेंड चाइल्ड। सो अपेंड चाइल्ड यूज करने पर सिर्फ सिंगल कोई भी एलिमेंट उसके अंदर अपेंड होगा, अगर ओनली अपेंड में यूज करूंगा तो उसमें मल्टीपल डिप मीन्स मल्टीपल एलिमेंट को भी उसमें अपेंड कर सकते हैं, इसलिए वो यूज होता है। सो मैं फर्स्ट इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट अपेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपेंड चाइल्ड यूज किया हुआ है। सो उसके बाद इसमें क्वाइन, ठीक है, ये अपेंड हो चुका है। सो अभी इसमें हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हमको इसको सी एस एस को डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टाइल देना पड़ेगा। सो अपने
डैश मीन्स अपने कोड एडिटर का साइज को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और सबसे लास्ट में चलेंगे और यहाँ पर ऊपर, ठीक है। सो हम अपने कॉइन को डिफाइन कर देंगे। सो कॉइन, ठीक है, इसका विड्थ 100%, हाइट भी 100% और इसका बॉर्डर रेडियस 50%, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, और इसका पोजिशन, सो पोजिशन सॉरी पी ओ पोजिशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके पेरेंट कंटेनर जो है वो सेल है, सो इसमें हम पोजिशन रिलेटिव कर देंगे, ठीक है। सो उसके बाद सो बॉर्डर ओनली है, मुझे इसको कैंसिल, बॉर्डर रेडियस करना पड़ेगा। सो देख रहे यहाँ पर मैंने होवर किया हुआ था इसलिए यहाँ पर आ चुका है। मैं जब भी अब यहाँ पर होवर करूँगा सो हमारा क्वाइन जो है वो अपेंड हो रहा है। सो ठीक है, सो अपेंड हो चुका है, एक बार फिर से रिलोड करके दिखाता हूँ। सो अपेंड हो रहा है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, जब भी हम इस फर्स्ट में अपेंड किया फिर सेकेंड में अपेंड करने जा रहे हैं तो जो फर्स्ट वाला है वो हमारा रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है। सो फिर से चलेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट में, देन उसके बाद यहाँ पर यहाँ ऊपर आकर मैं काम करता हूँ, मैं एक नया फंक्शन ही डिफाइन करता हूँ। सो फंक्शन रिमूव क्वाइन, ठीक है। सो इसके अंदर हम ये डाटा सेट एट्रीब्यूट फॉल्स है इसको सिलेक्ट करेंगे। सो लेट रिमूव क्वाइन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर हम डाटा सेट एट्रीब्यूट सिलेक्ट करेंगे। सो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये सिलेक्ट होता है। सो यहाँ पर लिखेंगे डाटा आईफोन प्लेस पी एल ए सी डिप्लेस्ड इजकल टू फॉल्स, ठीक है। सो एक बार ये प्लेस का स्पेलिंग सही है, ठीक है। सो इसके बाद एक कंडीशन लगाएंगे, इफ इफ रिमूव क्वाइन इज प्रेजेंट, मीन्स रिमूव क्वाइन हमारा जो इस बॉक्स के अंदर अपेंड हो चुका है सो ये ट्रू शो करेगा, ठीक है। सो उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। सो उसके लिए इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। सो सबसे पहले इसका पेरेंट एलिमेंट में जाएंगे, ठीक है। सो पेरेंट एलिमेंट में जाके इसके अंदर रिमूव चाइल्ड कर देंगे, ठीक है, और इसी को पेस्ट कर देंगे। सो अब जब भी हम होवर करेंगे सो यहाँ पर पिछला वाला रिमूव हो जाता है पर अभी नहीं हो रहा है क्योंकि इस फंक्शन को मुझे इसके अंदर कंट्रोल सी इस फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। सो अब देखेंगे हमारा ये काम करेगा। सो देख रहे हैं हमारा पहले बार में से रिमूव हो रहा है और सेकेंड में आकर एड हो जा रहा है। सो इसको हम ऊपर लाएंगे, सो स्टाइल फाइल में चलेंगे, इसको बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे क्वाइन और उस डाटा सेट एट्रीब्यूट को, सो डाटा प्लेस पी एल ए सी डी प्लेस्ड सी ई डी इजकल टू फॉल्स या फिर एल ए सी फॉल्स, ठीक है। और इसको हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई माइनस 10 VS, सो ऊपर ला देंगे इसको। सो ये हमारा ऊपर आ चुका है। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसे हमने हमारा जो पहला प्रोजेक्ट देख रहे सेम टू सेम। सो ये हो चुका है, अब चलेंगे, अब जब भी हम इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे सो ये हमारा जो क्वाइन है ये नीचे आके अपेंड हो जाएगा। सो देख जब भी क्लिक करूंगा सो ये नीचे आके रुक जा रहा है, सो फिर से इसी में क्लिक करूंगा तो इसके ऊपर आके रुकेगा, ठीक है। सो अब इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सो चलते अपने डैशबोर्ड पर, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल में चलेंगे, देन यहाँ पर जो हमने एक फॉर ईच लूप लगाया था उसके अंदर ऑन माउस इंटर इवेंट यूज किया था उसके अंदर फिर से सेल डॉट ऑन क्लिक यूज करेंगे, ऑन क्लिक, ठीक है, इक्वल टू एरो फंक्शन। उसके बाद इसमें कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स परसेंटेज और यहाँ पर 7, इसमें भी सेम चीज करेंगे, इसमें भी ग्रैप करेंगे कॉलम और इसको मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ F12 कंसोल, ठीक है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस इंडेक्स का नंबर दे देगा, ठीक है। सो मुझे अब करना क्या है, अब जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे इस 35 का वैल्यू देना है, उसके बाद क्लिक करूँगा तो 28, उसके बाद 21, मीन्स एक एक कम होता जाएगा, तब 0 आ जाएगा तो यहाँ पर रुक जाना चाहिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया एरे डिफाइन करूँगा, कॉन्स्ट क्वाइंस इज इक्वल टू, ठीक है, और सेम जितने इसमें बॉक्स है उतने में इसमें डिफाइन करूँगा 0, सो 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इसको 6 बार कॉपी पेस्ट करूंगा, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो इसमें जितने भी ये एलिमेंट्स है और यहाँ पर उतने ही है, इसको डिफाइन कर दिया है। उसके बाद इसमें भी सेम चीज़ लगाएंगे, इसमें जैसे कॉलम हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ था डिवाइडेड मीन्स परसेंटेज बाई 7, इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे,
सो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा अपने इसमें, सो इसको यहां से हटाकर इसमें कमेंट कर देता हूं, इसमें भी एक नया फंक्शन डिफाइन करूंगा, सो ऑन माउस क्लिक इन सेल, ठीक है, इंडेक्स परसेंटेज 7, सो इस फंक्शन को हम यहां से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और इसके नीचे डिफाइन करेंगे कंट्रोल वी, होम यहां पर फंक्शन मुझे लिखना पड़ेगा और इंड और इसके अंदर ब्रैकेट ओपन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी इस क्वाइन के अंदर की इस एलिमेंट को मीन सेलेक्ट करूंगा इसका रो, ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट क्वाइंस सॉरी इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और रोज, ठीक है, इज इक्वल टू क्वाइंस डॉट फिल्टर filtr फिल्टर उसके अंदर ब्रैकेट, सो फिल्टर अंदर फर्स्ट वाला जो होता है वो हमारा एलिमेंट शो करता है और सेकेंड वाला इंडेक्स, सो इसमें मुझे इंडेक्स की जरूरत मात्र है और मुझे अभी इस एलिमेंट की जरूरत नहीं है, सो इंडेक्स एरो फंक्शन देन इंडेक्स परसेंटेज 7 इज ट्रिपल इक्वल टू कॉलम colum कॉलम, ठीक है, और मुझे यहाँ एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा कॉलम column, सो इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, सो उसके बाद इसमें डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ 0, सो ये हमारा कौन सा काम कर रहा है उसके लिए मैं यहाँ पर कंसोल पर दिखाऊंगा, सबसे पहले कंसोल सॉरी कंट्रोल जेड कंसोल डॉट लॉग रो, ठीक है, सो मैं पहले बता देता हूँ, ये हमारा जो हमने नए एरे डिफाइन किया हुआ है मीन्स यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, उसके बाद सो फर्स्ट हमारा ये इसका कॉलम सेलेक्ट करके देगा ऑल्ट शिफ्ट, ठीक है, ये कॉलम सेलेक्ट करके देगा, उसके बाद हमने जो यहाँ पर डॉट लास्ट इंडेक्स 0 किया है तो इसके अंदर हमें यह 0 ढूंढेगा और उसको लास्ट बना देगा, सो यह 0 पूरा लास्ट तक है, सो यह 0 ढूंढ रहा है, सो यहाँ पर इसको लास्ट मिल गया तो इसका वैल्यू हमें प्रिंट होकर दिखेगा कंसोल में 5, सो ठीक है, जब भी क्लिक करूंगा सो देख रहे हैं यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है क्योंकि इसमें जो 0 वो ढूंढ रहा है उसके ये सारा एलिमेंट इसका 0 ही है, सो लास्ट तक आया है 0 ढूंढते ढूंढते, उसके बाद इसको काउंट करेगा 0 1 2 3 4 5, तो इसलिए यहाँ पर 5 वैल्यू शो कर रहा है, सो इसको हटाता हूँ अभी यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देन ये हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लेट फर्स्ट सॉरी प्लेयर 1 इज इक्वल टू 1 डिफाइन करेंगे और लेट प्लेयर सॉरी 2 इज इक्वल टू 2 डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा बॉक्स जब यहाँ आके रुक जाएगा तो यहाँ का वैल्यू हमें चेंज होना चाहिए, ये 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड का टर्न आएगा तो उसके बाद ये 2 हो जाएगा, सो इसलिए हमने इसे बनाने का कारण ही मेन ये है कि इस गेम को हम डिसाइड कर सके मिस कौन विनर है कौन विनर नहीं है, क्योंकि ये 1 एंड 2 जब भी यूजर प्ले करेगा तो फर्स्ट में प्लेयर 1 होगा सो उसका वैल्यू 1 होगा और ये 1 आकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, उसका सेकेंड का टर्न आएगा तो सेकेंड का 2 है 2 यहाँ पर आएगा स्टोर हो जाएगा, जब हमारा ये जब हॉरिजॉन्टली 1 1 1 आ जाएगा तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे वो विनर हो जाएगा, उसका जब 2 2 2 आएगा तो उसके हम फंक्शन डिफाइन करेंगे वो विनर हो जाएगा, इसी तरह हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली और अपोजिट हॉरिजॉन्टली डिफाइन करेंगे विनर के लिए, ठीक है, ये हो चुका है। और यहाँ पर हम लेट प्लेयर प्लेयर टर्न इज कॉल टू प्लेयर 1, ठीक है, सो फर्स्ट में हमारा प्लेयर 1 का टर्न होता है, सो अभी इसको हटा देता हूँ, देन ये हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम ऑन माउस क्लिक इन सेल पर और इस कंसोल को मैं कमेंट करता हूँ, उसके बाद हम करेंगे क्या उसके अंदर, सो इसके अंदर हमारा 1 और 2 वैल्यू पुट करेंगे अगर क्लिक करने पर, ठीक है, सो नॉर्मल यहाँ पर आएंगे सो क्वाइंस और क्वाइंस के अंदर ब्रैकेट, ठीक है, इसमें रो मल्टीप्लाई 7 एंड प्लस कॉलम, ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर आएंगे इसमें लास्ट हमारा ये चूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे रो रो का वैल्यू अभी कितने हमारा सब में जिसमें भी क्लिक करेंगे सब का 5 है वैल्यू, ठीक है, तो 5 × 7 = 35 एंड यहाँ पर प्लस कॉलम कर दिया, अगर हमने 0 वाले पर क्लिक किया तो 5 × 7 = 35 यहाँ देखें 35 आ जाएगा क्योंकि 0 पर क्लिक करने पर ये कॉलम 0 होता है, ठीक है, हमने अगर यहाँ पर 1 कॉलम पर क्लिक किया तो ये 36 आ जाएगा, अगर 2 पर तो 35 + 2 = 37, सो इस तरह से ये हमारा लास्ट इंडेक्स ले रहा है, देन यहाँ पर इक्वल टू प्लेयर टर्न, ठीक है, और उसके अंदर इसके अंदर ये हमारे 0 हटा कर 1 और सेकेंड प्लेयर का चांस होगा तो 2 इसके अंदर पुट करेगा, ठीक है, ये हो चुका है।
अब यही हम सेम इसके अंदर भी यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए लेट सेल इज कल टू गेम बोर्ड डॉट चिल्ड्रेन, ठीक है, और उसके अंदर मैं ये सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी रख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे, जो हमने क्वाइन क्रिएट किया हुआ था एक डिव, उसको ही कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर इसके नीचे कंट्रोल पी, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करें, क्लिक करते हैं यहाँ पर आता कि नहीं, देख रही है आ रहा है, बट ये सबसे नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर ही आकर रुक जा रहा है। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर ट्रू देन आई होप नीचे आ जाएगा। सो देख रहे हैं यहाँ पर नीचे आ रहा है, अब फिर से क्लिक करेंगे तो एक एक ऊपर आ जा रहा है, ठीक है। सो मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पर यह कर दिया, रीलोड कर दिया। सो इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, सो इसके लिए मैं यहाँ पर कंसोल में डिफाइन भी कर दूंगा। सो यहाँ पर कंसोल मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ, उसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको हटाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे शो है 5, पर मुझे क्या शो करना है इस सेल को, ठीक है, और इसको कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी और यहाँ पर सेल, ठीक है। देन अब क्लिक करेंगे, सो मुझे इसका इंडेक्स शो करना है। सो इसके लिए मुझे इफ मैं इसको यहाँ से हटा कर इसको रख दूँ कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, देन आई होप यहाँ पर इंडेक्स शो करेगा। तो देख रही है अभी 35 पर आके स्टोर हो रहा है, फिर से क्लिक करने पर 28, और फिर से क्लिक करने पर 21, फिर से 14, 7, 0, देन -7। सो मुझे इसको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। सो उसके लिए कहाँ गया हमारा फंक्शन, इसके नीचे आकर इफ रो ट्रिपल इक्वल टू -1 देन रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे 25, 28, 21, 14, 7, 0, सो यहाँ पे आके रुक जा रहा है। अगर ये मैं कंट्रोल नहीं किया होता तो यहाँ पर हमें एरर शो कर देता, ठीक है, हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक और डाटा सेट में यहाँ पर दूंगा, मीन्स डिफाइन करूँगा क्वाइन डॉट डाटा सेट डॉट प्लेयर इज कल टू प्लेयर टर्न, प्लेयर टर्न, ठीक है। उसके बाद इससे इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, हम लास्ट में भी इसको देंगे, यहाँ पर 2 सिलेक्ट होगा, तो ये हो चुका है। उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे, मीन्स फर्स्ट क्लिक करने पर ये रेड हुआ और सेकेंड क्लिक करने पर हम सेकेंड प्लेयर का चांस देंगे। सो उसके लिए सबसे पहले मैं स्टाइल डॉट सी एस में उसको डिफाइन कर देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पर, प्लेस्ट को हटाकर प्लेयर अगर 1 हुआ देन इसका बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। और उसके बाद एक और डिफाइन करेंगे, अगर इसका वैल्यू 2 हुआ देन रेड को ब्लू कर देंगे, मुझे रेड का कलर सही करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो चुका है। उसके बाद चलते अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में, और कहाँ गया यहाँ पर है, ठीक है, इसमें हम डिफाइन करेंगे इफ प्लेयर टर्न ट्रिपल इज कल टू प्लेयर 1, ठीक है, देन प्लेयर टर्न इज कल टू प्लेयर 2, और एल्स प्लेयर टर्न इज कल टू प्लेयर 1। सो अब चेक करेंगे हमारा कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। सो देख रही है हमारा कलर चेंज हो रहा है, नीचे कलर चेंज हो गया, फर्स्ट इसको हटा देता हूँ। सो फर्स्ट में हमारा रेड, सेकंड में ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जब यहाँ पर चेंज हो रहा है कलर तो यहाँ पर भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ पर नीचे जाएंगे, सो या इस पर, और एक नया फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। सो फंक्शन होवर अपडेट अपडेट, ठीक है। सो होवर करने पर ये हमारा जो सेल ये अपडेट होना चाहिए कलर के अनुसार। सो उसके लिए मैं इसको और इन सब को कंट्रोल एक्स और यहाँ पर रख दूंगा कंट्रोल भी, और उसके बाद इसको इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल शो करेंगे हम नीचे, ठीक है, लेट होवर वॉल्यूम इज कल टू -1। सो -1 यहाँ पर नहीं है, सो इसलिए -1 दिया हुआ है। इसको जब भी क्लिक करूँगा तो उसके बाद होवर कॉलम का वैल्यू चेंज होना चाहिए।
देन यहाँ पर आकर ओवर कॉलम इज कल टू कॉलम, ठीक है। और उसके बाद इस ओवर कॉलम को कंट्रोल सी, यहाँ पर अपडेट जहाँ कॉलम दिया हुआ था उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इस अपडेट को कंट्रोल सी और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। सो आप देखेंगे ये हमारा चेंज हो रहा है कि नहीं। सो ये हमारा चेंज हो रहा है, जैसे रेड पर रेड, ब्लू पर ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू, ठीक है। सो उसके बाद ये हो चुका है, और उसके बाद हम इसमें एनिमेशन यूज करेंगे, ठीक है। इतना हो चुका है, देखिए यहाँ पर जब ऐसे क्लिक करने पर एनिमेशन यूज हो रहा है। सो यहाँ पर है, ठीक है। देन सो एक चीज और यहाँ पर, इफ कहाँ गया है यहाँ पर, ठीक है। सो ये कॉइन है, कंट्रोल जेड, यहाँ पर सो करेंगे इफ इफ होवर कॉलम इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर उसके लिए मुझे कॉइन, ठीक है, और कॉइन्स के अंदर इसको एरे में रख लूंगा, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पर इसको बंद कर लूंगा, ठीक है। और जब भी इस अभी होवर कॉलम का वैल्यू -1 है तो अभी इस पर कुछ चेंज नहीं होगा, अगर इसका वैल्यू 0 हुआ, ठीक है, तो चेंज हो रहा है, ठीक है। देन ये हो चुका है। अब उसके बाद हम ऊपर चलेंगे यहाँ पर फंक्शन के अंदर, और इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम एनिमेशन यूज करेंगे, ठीक है। सो क्वाइन डॉट एनिमेट, ठीक है, और एनिमेट के अंदर इसमें हम डिफाइन करेंगे अपना एनिमेशन, और इसके अंदर और नीचे में हम डिफाइन करेंगे एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन टाइप्स मीन्स ट्रांजिशन। सो यहाँ पर देंगे हम ड्यूरेशन 400 मिली सेकेंड इजिंग, सॉरी यहाँ पर कॉलन देना पड़ेगा, सो इजिंग लीनियर लीनियर, ठीक है। सो एल कैपिटल, और यहाँ पर मुझे कामा देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी कामा, और उसके नीचे इट आई इटरेशन, ठीक है, और इटरेशन 1 मीन्स कितनी बार ये एनिमेशन चलेगा, सिर्फ एक बार। देन इसके अंदर हम एनिमेशन डिफाइन करेंगे ट्रांसफॉर्म, ट्रांस एफ ओ आर एम फॉर्म ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद इसके ट्रांस सॉरी इसको ट्रांसलेट वाई और ब्रैकेट के अंदर जीरो सॉरी जीरो जीरो नॉट। सो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले हम मुझे इस पोजीशन का वैल्यू, और उसके बाद क्या हो रहा है, इस पोजीशन का वैल्यू, उसके बाद इस पोजीशन का वैल्यू मुझे चाहिए, उसके बाद इतने दूर का जो मुझे पोजीशन का वैल्यू होगा वो आ जाएगा, उसके बाद उसमें एनिमेशन ऐड करेंगे तो मुझे ये स्लाइटली इस टाइप का दिखेगा। सो इसमें अब हम एनिमेशन यूज करेंगे, तो सबसे पहले मुझे इस जो हमारा डाटा सेट प्लेस का जो फॉल्स था, और इस पर क्लिक करने के बाद डाटा सेट प्लेस्ड ये ट्रू हो चुका है, तो इन दोनों का मुझे इसका पोजीशन का वैल्यू चाहिए, जो अभी ये कौन सा पोजीशन पे है उसका मुझे वैल्यू चाहिए, और इसका इसका पोजीशन का भी वैल्यू चाहिए। उसके बाद ये दोनों को माइनस कर देंगे तो एक नया वैल्यू मिलेगा हमारा इतना दूर का, ठीक है। तो इतना दूर का जब भी हमारा वैल्यू मिलेगा तो उसको हम एनिमेशन में ऐड कर देंगे, तो उसको हम इस हिसाब से देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारा जो डाटा सेट फॉल्स था फॉल्स उसको हम सेलेक्ट करेंगे मीन्स कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद लेट लेट फ्रॉम वाई, ठीक है, इज कल टू रिमूव क्वाइंस डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रिएक्ट। सो ये हमें इसका पोजीशन का वैल्यू देगा, ठीक है, और इसके बाद इसको फंक्शन डॉट वाई। इसके बाद एक और लेट लेट फ्रॉम एक्स, ठीक है, और इसको हमें क्वाइन डॉट गेट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रिएक्ट वाई। सो इसको मुझे ऐसे फंक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद डॉट वाई, ठीक है। देन उसके बाद हम इसको माइनस कर देंगे, सो हमारा फर्स्ट वाला है वो ये ऊपर जो होवर हो रहा है उसका पॉइंट है व्यू पॉइंट और व्यू पोर्ट, और उसके बाद ये हमारा जो फ्रॉम एक्स है उसको जब भी ये क्लिक करेंगे तो ये जब भी यहाँ पर आ रहा है तो इसका पोजिशन का वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को माइनस कर देंगे, लेट get xy is equal to
फ्रॉम वाई माइनस फ्रॉम एक्स, ठीक है। सो इसका वैल्यू हमें आ चुका है। अब इसको हम यूज़ करेंगे अपने एनिमेशन में, मीन्स इसको जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बॉल एनिमेटेड होकर आना चाहिए, ठीक है। देन हम इसको इंटर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे क्वाइन में एनिमेशन एड करना है, क्वाइन डॉट एनिमेट, ठीक है। इसके अंदर एक एरे और एक कमा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो एरे के अंदर हम एनिमेशन का डिफाइन करेंगे कि किस हिसाब से एनिमेशन होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम डिफाइन करेंगे इसका ड्यूरेशन, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहले मैं इसमें ड्यूरेशन डिफाइन करता हूँ। सो ड्यूरेशन 400 मिलीसेकेंड, और इसका सॉरी मुझे यहाँ पर सेमी कॉलम नॉट कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। सो इजिंग, और इजिंग इसका लीनियर, linear लीनियर, और उसके बाद इटरेशन, ठीक है। सो इटरेशन मीन्स ये एनिमेशन हमारा कितनी बार चलेगा। सो एक बार, पहले एक बार क्लिक करने पर सिर्फ एक बार, और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अब, ठीक है। सो ट्रांस TRANSFORM फॉर्म ट्रांसफॉर्म, सो इन्वर्टेड कॉमा ट्रांसलेट लेट y, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर गेट एक्स वाई। सो मुझे यहाँ पर बैकटिक यूज़ करना पड़ेगा। सो ट्रांसलेट y ब्रैकेट डॉलर, और यहाँ पर गेट एक्स वाई, गेट एक्स वाई, और इसके बाद यहाँ पर पिक्सेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं उसे, ऑफसेट देना पड़ेगा 0, ठीक है। सो ये ऑफसेट कौन सा काम करता है, सो यहाँ पर गलत क्यों बता रहा है। सो मुझे यहाँ इक्वल टू नॉट, मुझे यहाँ पे भी कॉलन देना पड़ेगा, ठीक है। सो ये ऑफसेट कौन काम करता है, जैसे हम यहाँ अपने CSS में एनिमेशन डिफाइन करते हैं की फ्रेम को यूज़ करके, सो 0% पे ये, 50% पे ये, और 100% पे ये ऑफसेट वही काम करता है। ये ऑफसेट अभी 0 है, तो 0% में ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ये इतना वैल्यू इसका पिक्सल काम करेगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा, क्या इसको कॉपी करेंगे, देन इसमें ये 0 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैं ऑफसेट 0.6 में 60% कर दूंगा। उसके बाद इसमें फिर से 0 को हटा कर यहाँ पर डॉलर गेट एक्स वाई, और इसको डिवाइडेड बाय 20 कर दूंगा, और यहाँ पर पिक्सल, ठीक है। और इसको इसका ऑफसेट मैं 0.8 कर दूंगा, मीन्स 80% पर, ठीक है। और उसके बाद एक और, देन यहाँ पर इसको भी 0 पिक्सल कर दूंगा लास्ट में, और स्पेस ना देख कर 0 पिक्सल, इसका ऑफसेट 9.5, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करेंगे ये हमारा काम करेगा, देख रहे एनिमेशन हो रहा है। सो स्लाइटली ये यहाँ से डाउन पर गिर रहा है। सो उसके बाद मुझे अब करना क्या पड़ेगा, मीन्स जब भी ये एनिमेशन हो रहा है तो ये यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ऊपर आकर इसके नीचे लेट एनिमेशन इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पर एनिमेशन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। देन हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद इफ एनिमेशन इक्वल टू नॉट ट्रू, देन ये क्लिक होगा। तो इसमें हो गया, अब जब क्लिक करेंगे तो उससे पहले यहाँ पर क्लिक नहीं होगा जब तक एनिमेशन कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद क्लिक होगा। सो कौन प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पर, एनिमेशन इज नॉट ट्रू देन क्लिक, एनिमेशन फॉल्स है यहाँ पर भी। सो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, एक और फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है। सो फंक्शन गेम विन, सॉरी मैं यहाँ पर गेम रिजल्ट, ठीक है, विन और ड्रॉ DRAW, ठीक है। उसके बाद ये तीनों को यहाँ पर कंट्रोल एक्स यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद यहाँ डाल दूँगा एनिमेशन फॉल्स, ठीक है। देन अब देखेंगे ये काम करेगा कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या था हमारा क्वाइन, सॉरी सो इसको मैं एक वेरिएबल में रख लूँगा एनिमेटिंग, ठीक है, और इसमें एनिमेटिंग सो जी रख लूँगा, स्पेलिंग
ठीक है, डॉट एड इवेंट लिस्टनर, जब एनिमेशन फिनिश हो जाएगा देन ये फंक्शन को कॉल करेंगे, कंट्रोल सी और यहाँ पर पेस्ट एंड ये ब्रैकेट को हटा दूंगा। अब चेक करेंगे, सो हमारा एनिमेस हो रहा है। बट अब मुझे करना क्या है, जब भी ये डाउन जा रहा है तो ये ऊपर का जो हमारा होवर हो रहा है कॉइन वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया था रिमूव कॉइन, उसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और यहाँ पर जो एनिमेशन ट्रू था उसके जस्ट नीचे इसको पेस्ट कर लेंगे। सब चेक करेंगे ये गायब हो रहा है कि नहीं। तो देख रही हमारा एनिमेशन मीन्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जब भी इस बॉल हमारा इस बॉक्स में आता है तो ये होवर वाला कॉइन का हमारा जो कलर वो उस थोड़ी देर के बाद चेंज होता है। जैसे अभी ब्लू है तो ऊपर ब्लू ही दिख रहा है, अभी क्लिक करने पर यहाँ पर रेड आएगा उसके बाद कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ इसमें हम कोड में थोड़ा सा कोई पे मिस्टेक हुआ है, सो यहाँ पर हुआ है। सो ये हमारा जो हम इस ओवर अपडेट को फंक्शन को हमारा प्लेयर चेंज होने के बाद कॉल करना चाहिए था मुझे, उससे पहले नहीं। सो अब सही हो जाएगा, सो अब चेक करेंगे, सो रेड ब्लू रेड, सो हमारा ये सही हो चुका है। तो ठीक है, ये पार्ट हमारा अभी बन चुका है। अब चलते इस गेम का मेन फंक्शन बनाते हैं, मीन्स जब भी ये चार चार बॉल सेम रंग का एक साथ हॉरिजेंटली कनेक्ट हो गया है तो रेड विनर हो चुका है। इफ़ अगर ब्लू वर्टिकली कनेक्ट हो चुका है इस डायरेक्शन वर्टिकली तो ये ब्लू विनर हो चुका है, उसके बाद डायगोनली। सो इस टाइप का रेड, यहाँ पर रेड 1 2 3 और एक और, सो डायगोनली ये कनेक्ट हो चुका है तो फिर से ये रेड विनर हो चुका है। अब उसके बाद ऑपोजिट डायगोनली, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ दो है, सो मैं इसको यहाँ ब्लू करूँगा यहाँ रेड, ठीक है 1 2 3 उसके बाद ब्लू उसके बाद रेड। तो इस टाइप राइट टू लेफ्ट डायगोनल भी होगा तो विनर हो जाएगा। और उसके बाद अगर सारा बॉक्स भर चुका है और कोई भी किसी डायरेक्शन से नहीं मैच हो रहा है तो गेम इज ड्रॉ, ठीक है। सो इसका हम बनाएंगे लॉजिक, ठीक है। सो कोड एडिटर को, ठीक है हम कहाँ पर चलेंगे, यहीं पर इसके नीचे, ठीक है। सो एनिमेशन को ऊपर रहने देता हूँ और इसके नीचे हम आएंगे, देन यहाँ पर हम इफ हमारा क्वाइंस डॉट इंक्लूड 0 है, मीन्स हमारा जो क्वाइन में यहाँ पर जो क्वाइन है हमारा, हमने यहाँ पर बनाया था एक एरे सेट, इसमें अगर सारा 0 ही है, मीन्स सारा 0 नहीं है, सब में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पर आप लोगों को कहा था 1 2, जब भी यहाँ पर क्लिक करेगा यहाँ पर तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ब्लू आएगा तो 2 हो जाएगा, उस तरह से पूरा भर चुका है और इसमें 0 नहीं है तो गेम ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर नॉट देना पड़ेगा, उसके बाद इंड ब्रैकेट देन कन्फर्म गेम इज ड्रॉ DRAW, ठीक है। और उसके बाद लोकेशन विंडोज रिलोड हो जाएगा, लोकेशन रिलोड, ठीक है ये हो चुका है। अब अगर तो हम इसमें एक फंक्शन देंगे, ठीक है, इफ प्लेयर PLAY प्लेयर वन, देन इसमें प्लेयर टर्न एंड क्या था उसमें क्वाइन, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी देंगे कन्फर्म बैकटिक, उसके बाद इसमें सो डॉलर प्लेयर टर्न इज ट्रिपल इक्वल टू प्लेयर वन देन व्हाट देन फर्स्ट प्लेयर, ठीक है। अगर मीन्स इसका मतलब हुआ और प्लेयर टर्न इक्वल टू प्लेयर वन है देन प्लेयर वन विनर हो, मीन्स फर्स्ट प्लेयर विनर हो जाएगा। अगर प्लेयर टर्न इक्वल टू प्लेयर टू है देन हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे सेकेंड प्लेयर, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे वन, ठीक है ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन डॉट
रीलोड रीलोड, ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर सारा हमारा सो सेम कलर आ रहा है, सो ये हमारा कलर सब सेम आ रहा है, रेड रेड हो चुका है। सो इसको ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। सो रिमूव कॉइन इज नल, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और वो फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया हुआ है, यहाँ पर रख दिए पर डिफाइन नहीं किए। और एक और काम करता हुआ एनिमेशन फॉल्स को इसके नीचे रख दूंगा, ठीक है। अब हम ये फंक्शन ऊपर डिफाइन करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ से चला जाएगा। सो अभी देख रहे ये काम नहीं कर रहा है। सो इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और ऊपर हमारा जो ये जहाँ पर हमने ऑन क्लिक दिया हुआ था उसके जस्ट नीचे इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो ऑन माउस क्लिक एंड ऑन, ठीक है, इस यहाँ पर, ठीक है। देन फंक्शन कंट्रोल वी, और यहाँ पर ब्रैकेट जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट है उसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है। और इंड सॉरी कंट्रोल जेड इंड इंड, ठीक है। देन आई होप यहाँ से वो प्रॉब्लम चला गया होगा। तो देख रहे हैं हमारा बॉल हमारा परफेक्टली आ रहा है। देन अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे विनर को। सो इसके पहले मैं इसको इसमें लूप लगाऊंगा फॉर लेट इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो इफ इंडेक्स इंडेक्स इज लेस देन सेल्स डॉट लेंथ, ठीक है। देन इंडेक्स प्लस प्लस, देन इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा। उसके बाद इसमें हम लगाएंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। देन अब हम पहले इसमें हॉरिजेंटली कनेक्ट करेंगे कि हॉरिजेंटली अगर बॉल कनेक्ट हो गया तो वो विनर हो चुका है। जैसे आप लोग देख रहे हैं रेड, सॉरी ये, इसके बाद रेड कर फिर से यहाँ पर आ जाओ। सो ये फोर डॉट हॉरिजेंटली कनेक्ट हो गया तो रेड विनर हो चुका है, और या हॉरिजेंटली अगर ब्लू डॉट कनेक्ट हो चुका है तो ब्लू विनर हो चुका है हो जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर इफ इंडेक्स इज परसेंटेज 7 मीन्स, जब भी हम देख रहे हैं यहाँ पर फोर डॉट हो रहा है तो इसमें हमें क्या क्या इसमें क्या क्या ग्रैप कर रहा है। तो फर्स्ट हमारा फोर कॉलम ग्रैप कर रहा है 0, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इंडेक्स है वो प्लस प्लस बढ़ रहा है। सो यहाँ पर 35 था तो 36, 37 और 38। तो उसी टाइप का हम यहाँ पर कॉलम ग्रैप करेंगे, इज लेस देन 4 होना चाहिए। और एंड हमारा जो कॉइन का इंडेक्स है इंडेक्स, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू प्लेयर टर्न फिर से एंड कॉइन इंडेक्स प्लस 1 इक्वल टू प्लेयर टर्न फिर से एंड कॉइन और इंडेक्स प्लस 2 इज ट्रिपल इक्वल टू प्लेयर टर्न, ठीक है। और फिर से एंड कॉइन इंडेक्स स्पेलिंग को क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद 3 देन ट्रिपल इक्वल टू प्लेयर टर्न देन इसको रिटर्न ट्रू कर देंगे TRUE, ठीक है। सो इसमें हुआ क्या है देख लेते एक बार। ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स डिवाइड बाय 7 तो ये रिमाइंडर में शो करता है इस लेस देन 4। तो जब भी इसमें 4 डॉट कनेक्ट होंगे तो 35, 36, 37, 38 तो ये लेस देन 4 है कॉलम क्योंकि ये 0 से शुरू होता है। उसके बाद हमारा कॉइन है, सो हम कॉइन में जाएंगे यहाँ पर। सो ये कॉइन है हमारा, इसको ही कॉइन मान लेते हैं तब तक थोड़ी देर के लिए। देन यहाँ पर देखेंगे ये कॉइन है हमारा, देन कॉइन इंडेक्स, अगर कॉइन इंडेक्स या 35 है इक्वल टू प्लेयर टर्न मीन्स सेम प्लेयर टर्न हो चाहिए या फर्स्ट या सेकेंड, तो प्लेयर टर्न 1, उसके बाद इंडेक्स प्लस 1, ठीक है। तो 35 प्लस 36 होता है, देन सेम प्लेयर होगा रेड तो 36 फिर से प्लस 2 तो 37 एंड इंडेक्स प्लस 38 देन ये 4 हो जाएगा, ये कंडीशन पूरा ट्रू हो जाएगा। देन हमारा हॉरिजेंटली जो भी कनेक्ट हुआ होगा वो विनर हो जाएगा। सो एक बार देखेंगे यहाँ पर रेड ब्लू रेड। सो फर्स्ट प्लेयर इज 1, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपना वर्टिकली को लॉजिक लगाएंगे इसमें वर्टिकली विनर को। सो इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड उसके बाद वर्टिकली हमें रिलोड क्यों हो रहा है।
सो इसको 1 2 3 4, तो ठीक है, इस टैग जब कनेक्ट होगा वर्टिकली तो विनर हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं हमारा इसमें ले क्या रहा है, सो फर्स्ट में हमारा फर्स्ट कॉलम ले रहा है, सो इसको फर्स्ट ही कॉलम लेने देता हूँ। उसके बाद देन यहाँ से लेकर यहाँ पर 13 14, ठीक है, 14 और 21 और यहाँ पर 21 है, 20 और 21। सो इसका लॉजिक लगेगा कैसे, इफ़ इंडेक्स इज लेस देन मीन्स जब ऊपर ये नीचे से काउंट होता है 35 और लास्ट में जाके यहाँ पर कितने पे 40 पे आया है, देन अगर ऊपर से काउंट हुआ देन यहाँ पर अगर मान लेती पूरा फर देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर सबसे नीचे पहले ये डॉट आता है उसके बाद 4 कनेक्ट हुआ डायगोनली मीन्स वर्टिकली, ठीक है। सो वर्टिकली ये सीधा और ये सीधा जाएगा या उल्टा जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर 4 डॉट यहाँ तक कनेक्ट हुआ तो यहाँ लास्ट का वैल्यू यह कितना लिया हुआ था 14, ठीक है। अगर यहाँ से कनेक्ट किया तो इसका लास्ट का वैल्यू कितना था 6 7, ठीक है। अगर यहाँ से कनेक्ट किया 1, ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट किया हुआ था यह कितना था कितना था इसका 13 14, ठीक है। अगर यहाँ पर यह कनेक्ट हुआ ये 20, सो ये हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है वो 20 तक ले रहा है और उसके बाद हमारा 7 7 का डिफरेंस हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 0 है तो 6 के बाद 7, 13 के बाद यहाँ होगा 14, तो ये 7 का डिफरेंस ले रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पर करेंगे इंडेक्स इज लेस देन 21, क्योंकि लास्ट हमारा यहाँ 20 है और 21 से सब हमारा ये जो लास्ट हमारा डॉट है वो कम ही लेगा। देन यहाँ पर इंडेक्स इज +7 +14 एंड यहाँ पर +21। सो मुझे यहाँ पर +7 करना था, सो इंडेक्स +7 यहाँ पर 14, ठीक है, और यहाँ पर 21 और यहाँ पर 28। सो अब देखते हैं हम वर्टिकली कनेक्ट करके ये हमारा गेम का लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। सो फर्स्ट प्लेयर यूज, सो हमारा वर्टिकली का लॉजिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं डायगोनली, मीन्स डायगोनली यहाँ जैसे 35 है तो 29 23 70 पाएगा तो विनर हो जाएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ से करेंगे तो 37 31 25 90, ठीक है, इस टाइप का ये कनेक्ट हो गया तो विनर मीन्स यूजर विनर हो गया। तो उसके लिए इसको फिर से कॉपी करूँगा। सो इसका लॉजिक ये भी चार कॉलम ले रहा है तो इसका लॉजिक ये सेम होगा, ये 4 वाला कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल वी, ठीक है, ये 4 ले रहा है। उसके बाद इसका डिफरेंस कितना हो रहा है 8 का, जैसे 0 8 16 24। तो फर्स्ट में लेफ्ट टू राइट डायगोनल कंप्लीट करूँगा और सेकेंड में हम राइट टू लेफ्ट, तो ये हम लेफ्ट टू राइट डायगोनल कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारा 8 का डिफरेंस हो रहा है 0 8 16 24 32, सो यहाँ मैं 8 का डिफरेंस दूंगा, सो 8 16 16 24 देन 32, ठीक है, देन ये हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर ये 4 1 2 3 4 4 यह कॉलम ले रहा है और उसके बाद एक और चीज़ ले रहा है, यहाँ देख रहे यहाँ हमारा 3, तो ये यहाँ तक आएगा सिर्फ, सॉरी मैं लेफ्ट टू राइट ले रहा हूँ, सो मुझे ये 14, देन ये 40 तक मुझे ये लेफ्ट टू राइट वाला डायगोनल कनेक्ट होगा तो विनर होगा, उससे नीचे तो 4 है नहीं, यहाँ पर 14 तक है, ठीक है। और यहाँ यहाँ से शुरू करेंगे तो 70 तक है, तो इसको मैं इंडेक्स इज लेस देन 18 कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा लास्ट विनर मीन्स और यहाँ पर मुझे एंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो देखिए 70 तक कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, और अगर इसके बाद दूसरे में देखेंगे यहाँ से ये हमारा 10 में कनेक्ट हो रहा है, मीन्स 70 से ज़्यादा कोई भी जा नहीं रहा है। इसके लिए यहाँ पर इंडेक्स को हम 70 तक रोक देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा ये लेफ्ट टू राइट डायगोनली काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ये हो चुका है, यहाँ पर भी ब्लू आना चाहिए, सो ब्लू और यहाँ पर भी ब्लू,
सो कनेक्ट हो चुका है, पर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। सो चार कॉलम, 1 2 3 4, सो कॉलम तो चार हो रहा है, 0 से लेकर 3 तक, 10 आई थिंक 8 का डिफरेंस, कंट्रोल जेड जब डिफरेंस 20 ठीक है, पर इसको मैं हटा दूं। देन अब देखते हैं, सो मुझे ब्लू डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा, सो ये इसको यहाँ रखता हूँ, ब्लू ठीक है, यहाँ पर भी ब्लू और यहाँ पर भी ब्लू, सो सेकेंड प्लेयर ठीक है। सो मुझे कॉलम, मैं कॉलम को नहीं सेलेक्ट किया, उसके बाद भी ये काम कर रहा है। सो यहाँ पर लॉजिक सिंपल है, यहाँ 70 से ज़्यादा कोई भी यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है जब विनर होगा, क्योंकि लास्ट विनर तो यहीं तक होगा जो ज़्यादा नंबर ले रहा है, 41, 33, 25, 70, और 70 से ज़्यादा कोई भी यहाँ पर इंडेक्स नहीं ले रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 70 तक के कंट्रोल कर दिए, 80 से नीचा होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर 8-8 का डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे 33 + 8 = 41, 8-8 का डिफरेंट आ रहा है ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट भी कम्प्लीट हो चुका है, अब चलते हम राइट टू लेफ्ट डायगोनली को कनेक्ट करेंगे। सो राइट टू लेफ्ट इस टाइप का ठीक है। सो पहले मैं यहाँ पर रख के देखूँगा, सो इसको ब्लू रेड ठीक है, रेड ब्लू रेड ठीक है, यहाँ पर ब्लू रेड ब्लू और रेड इस टाइप का। सो इसमें भी आप देख रहे हैं कितने का डिफरेंट, पहले कितने का रह रहा है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर 17 तक, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 का डिफरेंट ले रहा है। सो यहाँ से हम 6 को 6 12 18 और यहाँ पर 24 ठीक है, ये डिफरेंट 6 का ले रहा है, ये हो चुका है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर 6 का डिफरेंट, 70 + 6 = 23, 20 + 6 = 29, 29 + 6 = 35 ठीक है। उसके बाद हमारा ये हाईएस्ट कितने पे जा रहा है वो देखेंगे, सो यहाँ तक आ रहा है, सो ये हमारा 20 तक हाईएस्ट जा रहा है ठीक है। सो ये हम कंट्रोल इसको करेंगे, सो 21 ठीक है, अभी चेक करेंगे हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। सो ब्लू रेड, सो फर्स्ट प्लेयर इज 1। सो हमारा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है, वर्टिकली हॉरिजेंटली लेफ्ट राइट डायगोनली और राइट टू लेफ्ट डायगोनली ठीक है। अब इसमें हम एक बार और प्ले करके देखेंगे चारों वर्टिसेस से ठीक है। सो फर्स्ट हम इसको वर्टिकली चेक करेंगे, सो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, सो ठीक है हमारा रेड विनर हो चुका है, फर्स्ट प्लेस विनर। देन अब हॉरिजेंटली, सो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, सो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेफ्ट टू राइट डायगोनली चेक करेंगे, सो ब्लू रेड, सो ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम राइट टू लेफ्ट डायगोनली चेक करेंगे ठीक है, सो रेड ब्लू उसके बाद रेड उसके बाद ब्लू उसके बाद रेड उसके बाद ब्लू उसके बाद रेड उसके बाद ब्लू रेड, सो फर्स्ट प्लेस विनर। सो देख रहे हैं हमारा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है और ये चारों डायरेक्शन से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम साउंड ऐड करेंगे, सो उसके लिए हम यहाँ पर साउंड, मेरे पास साउंड है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में दिखाया था हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। सो ये विनिंग साउंड है ठीक है, और एक है हमारा गेम साउंड, तो फर्स्ट हम गेम साउंड ऐड करेंगे उसके बाद विनिंग साउंड ठीक है। सो गेम में जाएंगे और जहाँ पर हम अपेंड कर रहे हैं ये हमारा क्वाइन, वहाँ पर उसको ऐड करेंगे। सो अपेंड हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर फॉल्स है, सो वेयर इज़ द ट्रू, जहाँ पर हमने डाटा सेट ट्रू दिया था यहाँ पर, तो इसको सिंपली हम क्रिएट करेंगे, लेट ऑडियो इज कॉल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ठीक है, और ऑडियो नाम का हम टैग ऑडियो ठीक है क्रिएट कर दिया। उसके बाद इसमें ऑडियो डॉट एस आर सी इज कॉल टू, हम अपने जो हमारा गेम मीन्स
क्या था, म्यूजिक का नाम यहाँ पर रख देंगे, सो गेम साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्लैश गेम साउंड SOUND साउंड डॉट MP3। सो मुझको मुझे इसमें इंपॉर्टेंट कमा दे के करना था, ठीक, गेम साउंड। उसके बाद इस ऑडियो को हम सेल में अपेंड कर देंगे, सो सेल डॉट अपेंड चाइल्ड, उसके बाद ऑडियो। सो आप चेक करेंगे इसमें हमारा साउंड आ रहा है कि नहीं, सो साउंड तो नहीं आ रहा है। सो ये प्ले क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे इसको प्ले करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो ये प्ले होगा। सो उसके लिए मुझे ऑडियो डॉट प्ले, ठीक है, अब चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि। सो हमारा ये म्यूजिक ऐड हो चुका है, सो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है खेलने में। सो इसको हम विनिंग बनाते हैं, इसको डायगोनली ब्लू को ऐड करेंगे, सो ब्लू इट्स अ विनर, ठीक है, सेकेंड प्लेयर इज विनर। सो ये हो चुका है, अब इसमें हम विनिंग साउंड भी ऐड करेंगे। सो विनिंग साउंड हमें कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, उससे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतने ही में हम चेंज करेंगे। सो हमने फंक्शन बनाया था प्लेयर विनर का यहाँ, ठीक है। सो इसमें इसको पेस्ट करेंगे, देन ऑडियो या किस पे हम अपेंड करेंगे इसमें, अब ये इसको हम किसी चीज़ में मुझे अपेंड करना पड़ेगा। सो उसके लिए मुझे एक इंडेक्स में जाता हूँ, इंडेक्स टू में, और उसके बाद इस कनेक्ट को हमारा जो डैशबोर्ड है उसके नीचे एक बॉक्स बना देता हूँ, विनिंग बॉक्स, ठीक है। और इसको हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी, और इस जावास्क्रिप्ट सबसे टॉप में इसको कॉन्स्ट विनिंग बॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर इस बॉक्स को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम कंट्रोल सी एंड हमारा जो फंक्शन था विनर का, और यहाँ पर हम इसको अपेंड कर लेंगे। सो अब चेक करेंगे विनर आने पर वो साउंड आ रहा है कि नहीं, ऑडियो डॉट प्ले साउंड तो आना चाहिए था। मैं यहाँ इसमें से इसको पहले हटाऊंगा, ठीक है, देन यहाँ पर ऑडियो प्ले को ऊपर ले जाऊंगा नीचे इस, और मुझे यहाँ पर इस गेम का नाम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरा गेम का नाम को ना, म्यूजिक का नाम क्या था, सो स्लैश विनिंग वेव, ठीक है। सो अब चेक करेंगे ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। सो मैं इसको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करता हूँ, सॉरी वर्टिकली कनेक्ट करता हूँ। सो लास्ट वाला पार्ट जो बाकी उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ये डैशबोर्ड कंप्लीट हो चुका है, और इसमें हम यहाँ पर जो फर्स्ट क्लिक होगा तो उसका नाम चेंज हो रहा है, जो सेकंड प्लेयर का नाम था वो वापस आ रहा है, देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। सो ये वाला पार्ट आज कंप्लीट करेंगे, और एक और जब विनर होने पर मैं एक डॉट को विनर करता हूँ। ये वाला जो पार्ट आया था और ये वाला पार्ट, इसको कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे डिजाइन बनाएंगे इसका, ठीक है सर। पहले इसका डिजाइन बना लेते हैं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे, और इस वीडियो को, इस प्रोजेक्ट को इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। सो चलते हैं अब इंडेक्स टू में, ठीक है। सो इसको हाइड नहीं करता हूँ, अपने कोड एडिटर का साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और ठीक है, जो हमारा विनिंग बॉक्स है यही है विनिंग बॉक्स। सो इसको ये विनिंग बॉक्स हो चुका है, और उससे पहले मैं इसमें विनिंग बॉक्स बैकग्राउंड, ठीक है, और उसके बाद डॉट विनिंग बॉक्स, देन इसके अंदर S2, ठीक है, और कंग्रेचुलेशन, उसके बाद ब्रैकेट, और इसके नीचे डॉट विन, सॉरी विनर नेम, ठीक है। सो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल S, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा विनर नेम आ जाएगा, सो विनर नेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम स्लैश टर्न मीन्स इंपोर्टेड कमा और टर्न दे देंगे, उसके बाद एक बटन है हमारा, सो विनिंग बॉक्स में इस S2 के नीचे एक बटन है, BUTTON बटन डॉट री स्टार्ट, ठीक है, और इसमें री स्टार्ट गेम। सो ये हो चुका है, अब जो हमारा सेकेंड एक और बॉक्स था जिसमें हम GIF फाइल हमारा जो दिखा रहा था,
सो यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट को खुला हुआ है gfi.com को, और यहाँ से हम कहाँ गया ये वाला, ये हम GIF फाइल लेंगे ठीक है, और इसमें से यहाँ पर शेयर वाले में क्लिक करके इसका लिंक को कॉपी कर लेंगे ठीक है। सो इसको फिर से स्प्लिट कर देता हूँ, उसके बाद ये हो चुका है, और इसी के अंदर ये हम बनाएंगे ठीक है। सो डॉट विनर प्ले ठीक है, और विनर प्ले बन चुका है। सो एचटीएमएल पार्ट इतना ही, इसको डिजाइन करेंगे और इस टाइप का बॉक्स बनाएंगे इसको। सो मैं अपनी कोड डिटेल को बड़ा कर लेता हूँ और अपना स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम एचटीएमएल फाइल और सी एस एस फाइल को स्प्लिट कर लेंगे ठीक है, और इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे और इसको हिडन ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, हम डिजाइन करना है। सो क्या था हमारा विनिंग बॉक्स बैकग्राउंड, बैक BACKGROUND बैकग्राउंड ठीक है। इसका विथ कंट्रोल जेड TH विथ 100% मिनिमम हाइट 100 BH पोजिशन फिक्स्ड टॉप 0 एंड बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर का ओपेसिटी कम कर देंगे ठीक है। और उसके बाद ये हो चुका है, अब उसके बाद विनिंग बॉक्स बनाएंगे, इसका डिजाइन करेंगे कंट्रोल सी डॉट कंट्रोल भी है, और इसमें विथ इसका मैं दे दूंगा 400 पिक्सल और हाइट भी इसका 300 पिक्सल ठीक है। और ये हो चुका है इसका बैकग्राउंड कलर वाइट ठीक है, और ये सेंटर में है बॉक्स, तो इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम भी सेंटर कर दूंगा एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ठीक है। सो उसके बाद ये हो चुका है, अब इसमें हम सो हमारा कहाँ गया, ये जो रेड कलर का जो क्या कहते हैं इसको और शैडो आ रहा है उसको हम बनाएंगे। सो बॉक्स शैडो 20 पिक्सल एंड 30 पिक्सल देन RGB रेड, उसके बाद -20 पिक्सल फिर से -20 पिक्सल फिर से 30 पिक्सल तब रेड ठीक है। सो एक बार हम देखेंगे अपने ब्राउजर पर, सो यहाँ पर है देख रहे, ये हमारा आ चुका है इस सेम टाइप का। सो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, सो इसको अगर मैं 20 कर दूँ, सो अब सही है। सो इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी देंगे इसमें 10 पिक्सल, और ये हमारा विनर प्ले, इसको भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद HTML फाइल को यहाँ से क्लोज कर देंगे डॉट कंट्रोल भी, और यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर क्या था S2, सो विनिंग बॉक्स S2, और एक था विनिंग बॉक्स S2 डॉट, इसके अंदर क्या दिया था हमने विनर नेम NAME नेम ठीक है। सो इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इसको हमें यहाँ से हटा देता हूँ, और उसके बाद अपने कोड डिटेल का स्प्लिट कर देता हूँ, और यहाँ इस साइड में होगा हमारा ब्राउजर और इस साइड में होगा कोड एडिटर, इसमें ईजी पड़ेगा हमें डिज़ाइन कम्प्लीट करने में। सो ये हो चुका है, सो कहाँ गया हमारा बॉक्स, इसको भी साथ ही सेंटर में आना था, इसलिए डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम भी सेंटर एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सो सेंटर में आ चुका है, सो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा बॉक्स साइज, ये छोटा है ये बड़ा हो चुका है, सो ओनली इसको 200 पिक्सल कर देंगे ठीक है। अब एक बार चेक कर लेंगे, सो 250, सो ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर ठीक है, सो इसको मैं 2020 को 10 10 कर दूंगा, और यहाँ पर भी 20 को 10, सो अब सही आ रहा है। उसके बाद जो हमारा S2 था उसका फोन साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सो फोन साइज 3 RAM ठीक है, और टेक्स्ट लाइन सेंटर और साइज थोड़ा सा कम कर देंगे, कुछ ज़्यादा हो चुका है 2.5 ठीक है। और ये इसी में क्यों आ रहा है, सो ये इसमें आ रहा है क्योंकि मुझे इसको भी विड्थ एंड हाइट डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं इसमें शैडो नहीं चाहता हूँ, इसलिए ओनली इसको एंड बैकग्राउंड कलर कंट्रोल सी कंट्रोल भी ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर नट, मैं इस बैकग्राउंड में जो हमने GIF फाइल को कॉपी किया था उसका URL वो इसमें देंगे, सो बैकग्राउंड URL और इसमें जो हमने कॉपी किया था कहाँ गया यहाँ पर ठीक है, और जेड कंट्रोल एस
यहाँ पर आ चुका है और इसको सेट कर देंगे हम, विद आवर हाइट हो चुका है और बैकग्राउंड बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर बैकग्राउंड साइज कवर ठीक है एंड बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट ठीक है ये आ चुका है। आप लोग देखें यहाँ पे हमारा विक्ट्री। देन उसके बाद ये हमारा जो हमने यहाँ पर जो इसको दिया हुआ था विनिंग बॉक्स बैकग्राउंड उसका कलर नहीं आ रहा है, सो मैं एक बार एचटीएमएल फाइल में चेक कर लूँगा, एचटीएमएल टू मीन्स इंडेक्स डॉट टू और इसका नेम कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल वी। सो अभी भी नहीं आया विद 100% हाइट बैकग्राउंड। सो ये आ चुका है बट ये गेम के डैशबोर्ड के अंदर आ रहा है, सो मुझे इसको इससे बाहर निकालना पड़ेगा। सो इसको कट करेंगे और जो हमारा ये गेम बॉडी है उससे इसको बाहर रख देंगे। तो ठीक है अब ये आ रहा है अच्छे से। सो फिर से चलेंगे अपने CSS फाइल में और यहाँ पर जो पहले हमने कलर डिफाइन किया हुआ था वही कलर दे देंगे, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा और डार्क ठीक है। तो ये हो चुका है और उसके बाद ये डिजाइन हो चुका है और उसके बाद इस बटन को डिजाइन करना बाकी है। सो इफ अगर मैं इस बटन में क्लास दे दूँ कहेंगे हमारा यहाँ पर बटन ठीक है BTN देन। सो हमने पहले जो डिफाइन किया था अलग अलग नाम का था ठीक है, सो उसी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। सो H2 विनर नेम और इसके नीचे में डिफाइन कर देगा सो विनिंग बॉक्स डॉट स्टार्ट ठीक है। और हमने यहाँ पर बटन बनाया था पहले से उसी का प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें। सो कहाँ गया बटन सबमिट, तो यहाँ पर बटन मुझे मिल गया कंट्रोल सी और नीचे आएंगे और जो हमारा रीस्टार्ट था कहाँ गया यहीं पर यहाँ इस पर पेस्ट करेंगे ठीक है। सो ये रेड आ चुका है, हमने यहाँ पर दूसरा कलर दिया था सो इसमें बैकग्राउंड शैडो दिया हुआ है ग्रीन ब्लैक एंड ग्रीन। सो ग्रीन ब्लैक सो ये हमारा ब्लैक है सो इसका कलर हम ब्लैक दे देंगे और कलर GREEN ग्रीन तो थोड़ा सा लाइट ग्रीन है सो इसको लाइट कर देंगे ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बॉक्स शैडो 10 पिक्सल इसको भी 10 पिक्सल ग्रीन। सो मैं एक कलर वाले ग्रीन को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी ठीक है। उसके बाद सेम मैं नेगेटिव में वैल्यू दूंगा सो -10 पिक्सल एंड 10 पिक्सल देन सेम कंट्रोल वी सेम हो चुका है बट इसमें ये पूरा घेर रहा है बट इसमें ये नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको 20 और इसको 20 कर दूँ ठीक है और इधर भी आना चाहिए उसके लिए यहाँ पर 30 करके देखता हूँ। ठीक है सो ये हो चुका है बट इसमें सो यहाँ से हम बॉर्डर दे दिए इसमें से हटाएंगे इसमें से कंट्रोल एस ठीक है। सो अब सो ये ज़्यादा ले रहा है इसमें करूँ क्या, इसमें अगर वैल्यू बढ़ा दूँ 20 और इसमें कम कर दूँ 20 10 कंट्रोल जेड ठीक है और यहाँ पर 10। सो कहीं पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है सो यहाँ पर बॉक्स शैडो 20 पिक्सल 20 10 RGB ए कमा -10 -20 10 पिक्सल RGB ओ यहाँ से सेमी कॉलम हट गया था कंट्रोल एस। सो ये हमारा 5 कर देता हूँ इसको, इसको भी 5 एंड इसको भी 5। सो अब सही हो चुका है सो इसको थोड़ा 15 कर दूंगा
सो ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद ये टर्न पार्ट इसमें मैंने रख दिया है, सो यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस विनर नेम। सो मैं यहाँ पर इसको स्पैन कर दूंगा और यहाँ पर भी स्पैन। ठीक है, और उसके बाद तो यहाँ पर अगर नाम होगा तो फर्स्ट प्लेयर विनर। ठीक है, सो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर विनर नेम आ चुका है। मीन्स ये हम यहाँ पर हम अपने जावास्क्रिप्ट से उस नाम को यहाँ पर लाएंगे और उसका ये भी हो चुका है। और ठीक है, सो हमारा डिजाइनिंग पार्ट इतना ही है, कंप्लीट हो चुका है। सो उसके बाद हम चलेंगे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में, तो game.js। ठीक है, सो सबसे पहले मैं टॉप में जाऊँगा और सेलेक्ट कर लूँगा कॉन्स्ट, और क्या क्या सेलेक्ट करना है मुझे मैं यहाँ से देख लूँगा पहले। सो मुझे फर्स्ट में ये इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो सो विनर बैकग्राउंड। ठीक है, इसको कंट्रोल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सो और चेयर थोड़ा सा साइज को बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट कॉन्स्ट विनर बॉक्स इसका टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट, इसको भी हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लाएंगे क्योंकि एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो काम नहीं करता है वो। कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। ठीक है, और एक हमारा जो ये हम जो पिक्चर दिखा रहे हैं वो सो कॉन्स्ट सी सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट विनर प्ले। ठीक है, इसका टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसका क्लास क्या था। सो फिर से चलेंगे अपने सी एस एस फाइल में और इसको भी कॉपी करेंगे। सो विनर प्ले, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल सी यहाँ पर, सो कंट्रोल बी। ठीक है, चल चुका। अब लास्ट हमारा जो है ये हमारा रीस्टार्ट बटन, उसको भी सेलेक्ट करेंगे। सो कहाँ गए, ठीक है, रीस्टार्ट कंट्रोल सी और यहाँ पर कॉन्स्ट रीस्टार्ट गेम इजिकल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट कंट्रोल बी। सो यहाँ पर डबल डॉट आ चुका है, एक डॉट को मैं हटा लूँगा। और एक यहाँ पर जो हमारा विनर का जो मैसेज आएगा, विनर का जो नेम आएगा वो, ठीक है, इसलिए मैंने ये इसको विनर नेम क्या हुआ था, कंट्रोल सी कॉन्स्ट विनर नेम इजिकल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसको भी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो जो सेलेक्ट करने वाला था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सो उसके बाद हम यहाँ पर सो यहाँ पर हम एक्टिव क्लास ऐड करेंगे विनिंग विनिंग डॉट बैकग्राउंड डॉट एक्टिव और इसमें डिस्प्ले नॉन। सो क्या होता है, डिस्प्ले नॉन। ठीक है, सो वो चला गया। उसके बाद विनिंग बॉक्स, सो कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी डॉट एक्टिव, यहाँ पर भी डिस्प्ले नॉन। ठीक है, एंड उसके बाद ये हमारा है, सो इसको भी एक्टिव क्लास ऐड करेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी डॉट एक्टिव एंड डिस्प्ले नॉन। ठीक है, और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। उसके बाद HTML फाइल में चलेंगे और हमने जहाँ जहाँ पर एक्टिव क्लास को डिफाइन किया था वहाँ पर एक्टिव लिख देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट चला गया, सो वो जाने पर सारा चीज़ चला गया। उसके बाद यहाँ पर भी एक्टिव एंड यहाँ पर भी एक्टिव। ठीक है, सो यहाँ पर मैं हटा के दिखाता हूँ आप लोगों को। सो अब ये दोनों चला गया है, सो और इसको मैं हटाऊँ कंट्रोल एस, तो एक ही बॉक्स दिख रहा है, देन कंट्रोल जेड जेड। और एक काम करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा पैडिंग भी ऐड कर दूँगा। सो इसको भी हटाता हूँ और ये, सो अगर यहाँ पर जो एक्टिव डिस्प्ले नॉन हो जाए सारा चीज़ हटी जाएगा। सो इसमें थोड़ा सा पैडिंग, सो कहाँ यहाँ पर, ठीक है, सो पैडिंग इफ डी आई एंड पैडिंग 5 pixels ओनली। ठीक है, देन हमने जो एक्टिव हटाया था वहाँ पर देख लेंगे कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है, ये सारा चीज़ गायब हो चुका है।
देन इसके बाद हम अपनी कोड एडिटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और उसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल में चलेंगे और उसको फिट करेंगे जहाँ जहाँ हमें जैसे जैसे वो आना चाहिए उसके लिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम चलेंगे जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था प्लेयर टर्न। सो कहाँ गया, सो हमने डिफाइन कहाँ पर किया हुआ था प्लेयर टर्न, पुराने वाले एचटीएमएल फाइल में, मीन्स जावास्क्रिप्ट फाइल में, तो ठीक है। देन इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी। सो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर यह अभी कुछ नहीं, इसको मैं अपने पुराने वाले फाइल में रख देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर जो हमने एक नया फाइल बना, मीन्स नया एचटीएमएल फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल बनाया था उसको हम अपने इस प्रोजेक्ट में रख देंगे, तो ठीक है। तो थोड़ा सा ईजी होगा हमें इसको कंप्लीट करने में। सो हमें इसको ये पूरा सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल सी। सो ये आप लोग जल्दी जल्दी से कर लीजिएगा। सो यहाँ पर कंट्रोल भी, ठीक है। देन उसके बाद ये हो चुका है और इसके नीचे का सारे कंट्रोल शिफ्ट इंड, देन कंट्रोल सी, देन उसके बाद स्क्रिप्ट में जाएंगे और कंट्रोल इंड कंट्रोल भी, ठीक है, सेलेक्ट हो चुका है, सब हम इसमें रख दिए। देन उसके बाद इसको यहाँ से हटाता हूँ, कंट्रोल होम, ठीक है। और जो हमने प्लेयर टर्न वाला मैसेज यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था तो इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी। देन जहाँ पर हमारा जो विनिंग मैसेज आ रहा था जो हमने अलर्ट में शो किया हुआ था, देन कहाँ गया हमारा पेंट, सो नीचे आ चुका हूँ ओवर, ठीक है। उसके बाद प्लेयर वन यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर सो हमें कहाँ गया प्लेयर टर्न यहाँ पर, इफ प्लेयर वन टर्न इक्वल टू प्लेयर टू देन कंट्रोल भी, देन इसका प्लेयर टू आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल सी यहाँ पर कंट्रोल भी और यहाँ पर वन आ जाएगा, ठीक है। सो एक बार हम चेक कर लेंगे। सो इस वाले प्रोजेक्ट में स्टार्ट क्लिक और यहाँ पर ओ यानी वन, और अभी हमने कलर को कनेक्ट नहीं किया हुआ इसको भी करेंगे, और टी डब्ल्यू टू, ठीक है। अब इसको हम करेंगे वन आ चुका है, हम क्लिक करने का यहाँ पर टू आना चाहिए, सो टू आ चुका है। सो हमने टू डब्ल्यू ओ टू लिखा था बट वन टू वन, सो वन ओ हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था वन टू देन, इसलिए वो वन टू आ रहा है। सो उस वन टू को हम हटाएंगे यहाँ सर यहाँ को, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे सो उसके बाद चेक करेंगे हम फिर से ब्राउजर पर, इसको ओपन कर लेंगे वन टू वन। सो अब ये काम नहीं कर रहा है, सो कुछ तो हमने गड़बड़ कर दिया है, प्लेयर वन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो प्लेयर वन इज नॉट डिफाइंड, सो ये हमारा प्लेयर वन है वो डिफाइन नहीं है, बट यहाँ पर नाम तो आ रहा है, तो हम मुझे वो वहाँ से उसको हटाना नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ वहाँ से थोड़ा सा मुझे चेंजिंग लाना था कंट्रोल जेड, ठीक है। उसके बाद प्लेयर वन और प्लेयर टू है वन एंड टू, ठीक है। और हम यहाँ आएंगे और प्लेयर टर्न इज इक्वल टू प्लेयर वन हुआ तो प्लेयर टर्न इज इक्वल टू प्लेयर टू हो जाएगा, देन प्लेयर चांस इन टू देन वन टू क्यों आ रहा था, क्यों प्लेयर टर्न, ओ हमने यहाँ पर प्लेयर वन और हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया हुआ है, सो फर्स्ट नेम, सो हमारा यहाँ फर्स्ट और सेकेंड नेम है इसलिए ये हो रहा है गड़बड़। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट नेम कर देंगे कंट्रोल भी, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट नेम हो चुका है और फिर से चलेंगे जो यहाँ पर हमने प्लेयर चेंज किया हुआ है और यहाँ पर सेकेंड नेम या सी सी ओ एन सेकेंड नेम और यहाँ पर फर्स्ट नेम, ठीक है। अब देखेंगे तो अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। सो देखें यहाँ पर कोई रोल नहीं आ रहा है, सो इसको हटाता हूँ। सो ऑब्जेक्ट एचटीएमएल मुझे डायरेक्ट इसमें नहीं देना था, इसमें डॉट वैल्यू भी लिख देना पड़ेगा और यहाँ पर डॉट वैल्यू, ठीक है। और ऊपर भी हमने दिया हुआ था उसमें भी डॉट वैल्यू ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी डॉट वैल्यू, ठीक है। सब चेक करेंगे सब परफेक्टली काम करेगा। सो वन एंड टू, तो देख रहे हैं और क्लिक एंड टू वन टू, ठीक है। सो ये हो चुका है कनेक्ट। अब विनर होने के बाद हम विनर मैसेज को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। देन
हमने जो हमने एक और एनिमेशन मुझे चाहिए। सो जैसे यहाँ पर आप देख रही है पीछे से जो आ रहा है, सो उसका नाम, सो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। सो आप लोग जाकर इस वेबसाइट में जीफी में यहाँ पर सर्च करके इसको ले सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका मैं लिंक कॉपी करूँगा। सो कॉपी लिंक, ठीक है, लिंक कॉपी हो चुका है। उसके बाद अपनी फाइल में चलूँगा फिर से और स्क्रीन को स्प्लिट कर दूँगा। देन स्टाइल फार में चलूँगा और कहाँ गया हमारा, जो हमने यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था उसके अंदर इसको रखेंगे। ठीक है, देन इसको हम बैकग्राउंड URL और यहाँ पर ऐसे करके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इफ अगर मैं यहाँ से इसमें से जो हमारा इंडेक्स टू, सो मैंने इसको फिर से बड़ा कर लेता हूँ। और एक चीज़ इसमें करना रह गया, इसमें से मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा कंट्रोल सी, और हमारा जो पिछला वाला इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इसमें पेस्ट करना पड़ेगा। सो ये तो मैं भूल गया था, सो अभी रख देता हूँ इसको। ठीक है, सो अब चेक करेंगे और इसको स्प्लिट कर देता हूँ पहले और यहाँ पर इतना। ठीक है, सो पहले मैं इसको ओपन कर लूँगा, देन यहाँ से एक्टिव हटाता हूँ गेम बॉडी डॉट, यहाँ से एक्टिव हटाना पड़ेगा। सो इफ वन एप्पल, सो देख रहे हैं हमारा ये एनिमेशन यहाँ आ रहा है बट ये रिपीट हो रहा है। सो CSS फाइल में जाकर इसको बैकग्राउंड रिपीट नॉट करना पड़ेगा मुझे, बैकग्राउंड रिपीट नॉन, बैकग्राउंड साइज कवर एंड बैकग्राउंड पोजिशन सेंटर। ठीक है, और इसको बैकग्राउंड, सो पहले इसको सेव कर लेता हूँ, ये सिंगल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें बैकग्राउंड क्या था वो, ब्लेंड मोड, ठीक है, मल्टीप्लाई, सो ये हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर देख रही है हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज होकर यहाँ आ रहा है। सो उसके लिए मुझे इसको इसमें ना रखकर कहाँ गया हमारा HTML फाइल, यहाँ पर जाएंगे और एक डॉट सेलिब्रेट, ठीक है, इसका डिप बना लूँगा। उसके बाद इसको कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी, देन फिर से अपने CSS फाइल में चलेंगे और यहाँ नीचे आकर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, होम, और यहाँ पर इसको ये मैं जो हमने बैकग्राउंड इसको मल्टी मोड हटा देता हूँ, और जितनी यहाँ पर डिफाइन किया हूँ उसको कंट्रोल एक्स एंड इसको कंट्रोल वी। ठीक है, देन ये हो चुका है। उसके बाद हम इसको मिनिमम हाइट भी इसको दे देंगे कंट्रोल वी। सो अब चेक करेंगे ये हमारा, सो इसमें आ क्यों नहीं रहा है मिनिमम हाइट, और आई होप विथ भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो ये कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारा एनिमेशन आ रहा है जो इसमें आ रहा था उसी टाइप का। ठीक है, सो उसके बाद इसमें थोड़ा सा डार्क है और इसमें हमारा बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट है, सो इसको भी डार्क कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, अब डार्क हो चुका है। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर से चलेंगे अपने HTML फाइल में और इसको बड़ा कर लेता हूँ अब यह तो कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिव रख दूंगा एक्टिव। ठीक है, सो फिर से चलेंगे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में और जो फर्स्ट पार्ट हो चुका है उसके बाद मुझे जब भी विनर होगा कोई भी फर्स्ट प्लेयर या सेकेंड प्लेयर, देन वो बॉक्स आना चाहिए जिसका हमने बैकग्राउंड बॉक्स शैडो दिया होता है रेड कलर का वो शैडो। ठीक है, सो हम यहाँ आएंगे इंक्लूड ये, अगर कोई भी नहीं जीता तो। सो इसमें भी हम इसको कन्फर्म हटाएंगे। ठीक है, और इसको भी अभी हटाएंगे कंट्रोल एस। सो हमने क्या दिया था, मैसेज विनर विनर बॉक्स, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव ACTIV एक्टिव। ठीक है, और उसके बाद हम मुझे इसमें एक और चीज़ इसमें से वो करना था जो मैसेज मुझे यहाँ विनर नेम। ठीक है, सो विनर नेम में नेम आ जाएगा विनर इफ अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और इफ अगर गेम विनर कोई नहीं हुआ गेम ड्रॉ हो गया तो यहाँ पर गेम ड्रॉ भी मैसेज आना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर मैं देख लूँगा सो गेम नेम, सो क्या था गेम विनर नेम। ठीक है, विनर नेम डॉट इनर टेक्स्ट
.exe text is equal to game is draw, ठीक है। और उसी के बाद इसको ही कॉपी करूंगा फिर से कंट्रोल सी, और यहाँ जो प्लेयर विनर हो जाएगा उसके, और यहाँ देन इसके अंदर कंट्रोल भी, सो मैं इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटाऊंगा और कंफर्म के अंदर जो हमने लॉजिक लगाया था उसको, मीन्स कंडीशन लॉजिक नोट, इसको कंडीशन लगाना कहते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और इसको यहाँ से कमेंट कर दूंगा, सो मुझे यहाँ पर फर्स्ट प्लेयर इज फर्स्ट प्लेयर, तो यहाँ पर भी सो इसको हटाना पड़ेगा, और यहाँ पर डॉलर सो फर्स्ट मैंने क्या डिफाइन किया हुआ था यहाँ पर, सो जल्दी से देख लेता हूँ ऊपर जाकर, फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, सेकेंड नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। सो हम जाएंगे कहाँ नीचे, ठीक है, तो फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, और उसके बाद इसको यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ पर डॉलर सेकेंड नेम डॉट वैल्यू डॉट वी एल यू वैल्यू, ठीक है। और ये थोड़ा सा एरर दिखा रहा है क्योंकि मुझे इसको से बाहर लिखना पड़ेगा, सो कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल पी, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है, फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ, इफ अगर कोई भी विनर हुआ तो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, सो क्यों नहीं आया बॉक्स, और क्योंकि विनर बॉक्स रिमूव एक्टिव, ये तो आ जाना चाहिए। ओहो मुझे इसको रिमूव नहीं करना है, मुझको बैकग्राउंड वाले को रिमूव करना है, सो विनर बैकग्राउंड डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और इसमें एक्टिव, ठीक है, कंट्रोल सी, और इसको भी कंट्रोल सी ऊपर भी पेस्ट करूँगा। सो एक बार चेक करेंगे ये हमारा जो कंडीशन है वो काम कर रहा है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, ठीक है। अब हमारा एनिमेशन होके तो नहीं आ रहा, और ये बॉक्स नीचे आ रहा है, सो ये सेंटर में आना चाहिए था, सो विनर नेम, सो ये अभी कंडीशन हमारे इसमें काम नहीं किया है क्योंकि, और मुझे इसको सिंपल इसको वर्ड कंट्रोल एक्स इसके अंदर रखना पड़ेगा, कंट्रोल भी, और इसको कंट्रोल एक्स इसके अंदर कंट्रोल भी, और यहाँ पर कॉलन, और यहाँ पर सेकेंड नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये हो चुका है, और यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। सो हमारा एरर चला गया यहाँ से, क्या चेक करेंगे यहाँ पर फिर से, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, ठीक है, और एनिमेशन आ चुका है, पर ये बॉक्स हमारा ऊपर नहीं आ रहा है, तो CSS फाइल में कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, और सो इसको भी मुझे पोजीशन फिक्स्ड, सो मैं इसका पोजीशन एब्सोल्यूट एंड टॉप जीरो कर दूंगा, सो मैं इसका पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप जीरो कर दूंगा, ठीक है। सो ये हमारा सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब इस पर हम रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे, सो अब ये हो क्या रहा है, मुझे ये बॉक्स ऊपर चाहिए और ये बॉक्स नीचे चाहिए, उसके लिए यहाँ पर मैं जेड इंडेक्स कंट्रोल जेड इंडेक्स माइनस वन, सो ये पीछे चला गया, ठीक है। देन उसके बाद इस बटन को टारगेट करेंगे, इस बटन पर क्लिक करने पर हमारा गेम रीस्टार्ट हो जाएगा। सो उससे पहले एक मतलब विनर गेम विनर होने पर पहले वो हमारा जो ये जीएफ फाइल मैंने ऐड किया हुआ था वो आना चाहिए, उसके बाद ये विनर बॉक्स आना चाहिए। देन इसमें हम सेट टाइम आउट यूज़ करेंगे, देन यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, सबसे पहले सेट टाइम आउट, और एक कम आफ्टर, ठीक है, कम आफ्टर नाम का एक क्लास बना लूँगा, और उसके बाद 10 सेकेंड का इसमें टाइम दूंगा, ठीक है। देन इसको हम यहीं पे डिफाइन कर देंगे इस फंक्शन को, उसके बाद इसको बाहर जाकर रख देंगे, सो कम आफ्टर, ठीक है। देन कम आफ्टर में क्या होगा, तो सबसे पहले इसको यहाँ पर ये रिमूव अभी नहीं होगा, ठीक है। देन यहाँ पर रिमूव कौन सा होगा, विनर प्लेयर, विनर
प्ले वाला था जो वो यहाँ पर देखेगा रिमूव एक्टिव SCTIV एक्टिव ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से रख के कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद रिमूव को हटा कर यहाँ पर एड रख देंगे ठीक है। देन अब हम चेक करेंगे ब्राउजर पर ये काम कर रहा है कि नहीं। स्टार्ट सबमिट रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ठीक है। सो फर्स्ट में हमारा ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है ठीक है। अब इसमें बटन लगाएंगे और ये इस पर क्लिक करने के बाद हमारा गेम रीस्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले जो विनिंग साउंड है ये हमारे यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है। सो हमने विनिंग साउंड को पिछले वाले वीडियो में एड टू किया हुआ था। देन देखते हैं ये हमारा काम क्यों निकल रहा है। और जो हमने अपेंड किया था इसको विनिंग बॉक्स को ठीक है, तो मुझे विनिंग बॉक्स में अपेंड ना करके इसको विनिंग बैकग्राउंड बॉक्स में अपेंड करना पड़ेगा ठीक है। मैंने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। अब चेक करेंगे हमारा विनिंग साउंड आ रहा है कि नहीं। स्टार्ट रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड साउंड नहीं आ रहा है। मैं अपने रीस्टार्ट बटन को वर्किंग में लाऊंगा अब ठीक है। इसी के नीचे मैं इसको फंक्शन डिफाइन कर लूंगा। कंट्रोल सी और यहाँ पर इसके नीचे ठीक है। उसके बाद कंट्रोल वी डॉट एड इवेंट लिसनर, इसमें क्लिक इवेंट लगाऊंगा क्लिक। देन एक एरो फंक्शन और इसमें नॉर्मल लोकेशन डॉट रीलोड ठीक है। सब चेक करेंगे ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं। स्टार्ट सबमिट देन विनर फर्स्ट देन आ गया ये देन रीस्टार्ट। हमारा ये बटन काम कर रहा है। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट रह गया है वो हमारा विनिंग साउंड नहीं आ रहा है, उसको चेक करेंगे कि यो क्यों नहीं आ रहा है। मैं पहले यहाँ पे नीचे आ जाऊँगा जहाँ पे मैं विनिंग साउंड ऐड किया हुआ है और उसके बाद विनिंग साउंड ये गेम साउंड है ठीक है। और इसको जब मिनिमाइज कर दूँ मैंने कहाँ पर ऐड किया हुआ है यहाँ पर ठीक है। और मैं यहाँ पर सिंपल एक काम करता हूँ, नाम यहाँ पर मैंने जो नेम डिफाइन किया था वेरिएबल का उसका चेंज करके देखता हूँ। तो आई होप इतने में ये काम करना चाहिए ठीक है। फिर से चलेंगे और इसको चेक करेंगे रेड ब्लू। मुझे किसी को तो विनर बनाना है रेड ब्लू ठीक है। अभी भी सामने आया बट ये यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर साउंड आ रहा है। मैं एक बार इंस्पेक्ट करके यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ एक एरर भी दिखा रहा है, विनर नेम इज नल। यहाँ पर प्लेयर टर्न इज इक्वल टू 1 देन ये होगा नहीं तो ये होगा ठीक है। बट ये नल क्यों बता रहा है। देन और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सिंटेक्स पिक्सल हमारा जो एनिमेशन मैंने डिफाइन किया हुआ था कहाँ पर नीचे ऊपर ही है इसमें था, मैंने रैप किया हुआ था। यहाँ पर स्पेस आई थिंक इस स्पेस के कारण से हुआ रहा था ठीक है। फिर से चेक करेंगे ठीक है, अपने यार एक स्पेस वहाँ पे रखने पिक्सल में स्पेस रख दिया था उसके लिए प्रॉब्लम आ रहा ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे साउंड साउंड नहीं आया और विनर नेम इज नल। यहाँ पर विनर नेम नल बता रहा है। मैं एक बार चेक करता हूँ, इसे चलेंगे अपनी फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल में और ये मैं फंक्शन को इसको मैं बाहर रख देता हूँ, कंट्रोल होम यहाँ पर रख दूंगा ठीक है। और फिर से चलेंगे नीचे, कहाँ गया नीचे है और ठीक है। हमारा ये अभी काम नहीं कर रहा है। पहले मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में चलूँगा। विनर नेम ठीक है। इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी देन अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाएंगे देन कंट्रोल होम और जो हमने विनर नेम कहाँ गया यहाँ पर विनर नेम और यहाँ का विनर नेम सही है वो चेक कर लेंगे। इसके कारण ये आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर हमने हाइफन यूज़ किया था और पहले जो दिया था वो अंडरस्कोर, तो यहाँ पर हमने अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया होता इसलिए प्रॉब्लम। आई होप
अब ये सारा प्लम चला गया, अब हम यहाँ पर मजे से इस गेम को खेल सकते हैं। तो रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ओके कंग्रेचुलेशन वन इज वन, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पर लाइन ब्रेक करूँगा। सो कहाँ गया, यहाँ पर चलेंगे और उसके बाद नीचे आकर जहाँ हमने डिफाइन किया हुआ था इस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बैक स्लैश एन रख देंगे। सो लाइन ब्रेक होकर यहाँ पर हमारा मैसेज आएगा। सो अब हम इसमें अपना कलर भी जो यूजर कलर देगा उस कलर को यूज करेंगे, मीन्स वो कलर इस उसी कलर के बॉल से हम उस गेम खेलेंगे, ठीक है। तो मैं उस जहाँ पर हमने जो कलर डिफाइन किया हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने ऑरेंज और यहाँ पर पर्पल, देन ये जो हमारा ये बॉल है जो होवर होकर यहाँ आता है, जो क्लिक करने पर यहाँ पर आता है, वो भी वही कलर करना चाहिए। सो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और उस कलर को डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले मैं अपने स्टाइल और सीएसएस में जाऊँगा और मैंने वहाँ पर जो कलर दिया हुआ था, सो मैंने 1 and 2 डाटा सेट एट्रीब्यूट को बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था। कहाँ गया, यहाँ पर देख रहे, इसको नॉर्मली मैं दूंगा बाहर फर्स्ट कलर, ठीक है, और इस सेकेंड में सेम वी आर वार हाइफन हाइफन एंड सेकेंड कलर, ठीक है। और इसमें हम कलर कहाँ से लेंगे, जावास्क्रिप्ट से इसमें अपेंड करेंगे, मीन्स रखेंगे, ठीक है। सो स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाएंगे और टॉप में जाकर और फॉर्म के जस्ट नीचे, फॉर्म वैलिडेट के जस्ट नीचे आकर, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पर लेट आर इज कल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, उसके बाद इसमें हम रूट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस रूट में मतलब एक फंक्शन बनेंगे पहले फंक्शन, सो सेंड कलर इन CSS, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन कर देंगे। उसके बाद आर डॉट स्टाइल style डॉट सेट प्रॉपर्टी, ठीक है, सेट प्रॉपर्टी। उसके बाद इसके अंदर फर्स्ट FIRST फर्स्ट कलर COLOR कलर, ठीक है। और कमांड देके इसका हम जो कलर हमारा यहाँ हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ था हमारा इनपुट, ये फर्स्ट कलर और सेकेंड कलर ये वहाँ रख देंगे, ठीक है। देन कहाँ गया हमने रूट यहाँ पर, ठीक है। सो इसके बाहर आई थिंक रखना पड़ेगा फर्स्ट कलर, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर सेकेंड कलर, और यहाँ पर मैं हमारा जो रूट का नेम होगा वो सेकेंड कलर, ठीक है। देन उसके बाद इस फंक्शन को हम कंट्रोल सी और जब भी फॉर्म को सबमिट करेगा वहाँ पर हम कॉल कर देंगे, यहाँ सबमिट, उसके बाद यहाँ पर हम कॉल कर देंगे, ठीक है। और मैं इसको ऊपर रख दूंगा कंट्रोल एक्स, देन टॉप में जाकर इस फॉर्म के जस्ट ऊपर इसको रख दूंगा कंट्रोल पी, ठीक है। सब चेक करेंगे अपने ब्राउजर पर जाकर कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सो स्टार्ट गेम, मैंने यहाँ पर ऑरेंज और पर्पल कलर चूज है, 1 and 2 नेम है, सबमिट। सो अभी हमारा शो नहीं कर रहा है, बट बॉल इसमें अपेंड हो रहा है बट ये शो नहीं कर रहा है। सो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी हमने सेम मिस्टेक किया हुआ है, सिंपल सा मिस्टेक है। यहाँ पर फर्स्ट कलर डॉट वैल्यू, मुझे यहाँ पर वैल्यू देना पड़ेगा क्योंकि इनपुट से जब भी कोई इनपुट देगा तो यहाँ पर वैल्यू देने पर हम यहाँ पर ले सकते हैं उनका वैल्यू, ठीक है। सो वैल्यू, सो अब देखेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं। सो अब ये 100% काम करेगा। सो इसको ओके, देन आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ऑरेंज, देन ऑरेंज के बाद ये हमारा पर्पल, ठीक है। सो ऑरेंज पर्पल ऑरेंज पर्पल ऑरेंज। सो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे हमने चाहा था वैसे बन चुका है। यहाँ पर एक छोटा सा मीन्स डिजाइनिंग पार्ट में थोड़ा सा छूटा है, उसको भी जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। सो रीस्टार्ट द गेम, देन ये फर्स्ट वाला हमारा पूरा कंप्लीट है। देन सेकेंड वाले में आप देख रहे हैं हमारा जो BS है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इसको हम ऊपर कर देंगे। देन ऊपर करने के बाद इसमें हमारा जो गेम डैशबोर्ड है उसमें भी सारा चीज़ ठीक है। तो सिंपल एक छोटा सा वो है, इसको रिलोड करूँगा, जस्ट ये वर्सेस है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। सो चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में, नॉट CSS फाइल में, ठीक है। देन यहाँ को हम सेलेक्ट किए होंगे, सो सर्च करता हूँ BS। सो ये है, देन मार्जिन लेफ्ट एंड राइट, एंड इसको मार्जिन टॉप -10 pixels, ठीक है। अब चेक करेंगे ऊपर गया है कि नहीं। सो ये ऊपर आ चुका है, मैं स्प्लिट कर लेता हूँ स्क्रीन को। सो स्प्लिट करने पर तो ओहो, स्प्लिट करने पर एक और चीज़ है, ये हमारा जो पहले वाला था ये स्टार्ट गेम ये सीधा आ रहा है उसके, और इसमें ये लाइन ब्रेक हो रहा है, इसको भी हम
वो कर देंगे, ठीक कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे। सो यहाँ पर है, सो माइनस 10 को हम 15 कर देंगे, ठीक है। सो आप देखेंगे, सो ये 25 करेंगे एक बार और देखेंगे ये आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। सो ये हमारा आ चुका है ऊपर। देन अब इसको हम जब छोटा स्क्रीन करते हैं तो ये ब्रेक हो रहा है, हो जा रहा है। सो इसके लिए कंट्रोल इंड यहाँ पर यूजर बॉक्स, ठीक है। इफ अगर यूजर बॉक्स कॉलम को मैं यहाँ पर हटा दूँ, देन अब देखेंगे स्क्रीन को छोटा करके, सो ये ब्रेक नहीं हो रहा है। सो कंट्रोल जेड, ठीक है। HTML फाइल में देखते हैं पहले। सो मैं इसमें करूँगा क्या, डॉट सिंपल 1, ठीक है, कंट्रोल एक्स, एंड हम ये दो इनपुट को एक डिप के अंदर रख देंगे। देन आई होप ये हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद डॉट 2, सो इसके अंदर कंट्रोल एक्स, एंड मुझे इसको मिनिमाइज करना था और इसको, ठीक है, और इसको यहाँ पर पेस्ट करना था। सो मैं इन दोनों क्लास का नाम एक ही रखता हूँ जिससे एक ही बार में दोनों पर टारगेट हो जाए, ठीक है, कंट्रोल एस। देन अब चलेंगे CSS फाइल में, देन इस फ्लेक्स को मैं हटाता हूँ और यहाँ पर डॉट ओ यानी 1, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा, फ्लेक्स, ठीक है। सो देन अब देखेंगे, सो ये आ चुका है हमारा सीधा, और ये सेंटर में आना चाहिए, देख रहे हैं यहाँ पर सेंटर है और ये सेंटर में आना चाहिए। तो फिर से ये इसको सर्च करेंगे, देन यहाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सो अब देखेंगे सेंटर पर, और सेंटर पर आ चुका है। सो हमारा सारा डिजाइनिंग पार्ट और जावास्क्रिप्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट ये गेम को खेलते हैं और ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो ऑरेंज मैं डायगोनली एक बार जीत के दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो डायगोनली इसको यहाँ पर ऑरेंज आना चाहिए, 1, 2, 3, 4। सो फाइनली हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से आप लोग बहुत चीज़ सीखने को मिले होगा HTML, CSS और JavaScript में, तो ठीक है। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। सो मिलते हैं अगले नए प्रोजेक्ट के साथ, थैंक यू।